आपको so पता है capital gains में सेक्शन से लेकर 55 capital A तक करते हैं. 45 से ठीक पहले 44 तक हम लोगों ने पीजीबीपी में बातें की थी और 55 ए के बाद सेक्शन आएगा फिफ्टी सिक्स दैट कवर इन आई एफ है? दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं कैपिटल गेन में सेक्शन शुरू होते हैं सेक्शन 45 से लेकर 55 ए तक और मैंने फर्स्ट पेज पर ही एक समरी दे दी है कि इन विच सेक्शन विच वी आर डीलिंग विद विच पर्टिकुलर प्रोविजन ठीक है जैसे 45 फाइव में चार्जिंग सेक्शन है 45 फाइव वन ए में इंश्योरेंस क्लेम है तो दिस इज द लिस्ट विच यू कैन रेफर अगेन एंड अगेन जिससे आप रिवाइज कर सके और आपको जल्दी से रिकॉल हो जाए कि उस प्रोविजन में क्या लिखा था ठीक है शुरू करें बातें ओके कमिंग टू वेरी फर्स्ट सेक्शन थोड़ा सा क्विकली रहने वाला हूं मैं यहां पर सेक्शन फोर्टी फाइव वन इज द चार्जिंग सेक्शन अगर फोर्टी फाइव वन भी इतना याद ना रहे तो सेक्शन फोर्टी फाइव समझ में आना चाहिए चार्जिंग सेक्शन है फोर्टी फाइव भी याद ना रहे तो यू मस्ट नो द प्रोविजन कि कैपिटल गेन कब अराइज होता है कुछ बातें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अगर आपके पास एक कैपिटल असेट है ठीक है कैपिटल एसेट क्या होता है वी हैव डेफिनेशन इन 214 में डेफिनेशन है कैपिटल एसेट की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी मैं इसको कवर भी करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं 214 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन गिवन है उससे पहले इन केस देयर इज अ कैपिटल एसेट कोई भी एसेट नहीं चलेगा इट मस्ट बी अ कैपिटल एसेट प्लस अगर आप उसका ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है इट इज गेटिंग ट्रांसफर ट्रांसफर की भी डिफाइन किया गया है लॉ uh, में 247 में ट्रांसफर की डेफिनेशन है जनरली भी फिलहाल के लिए समझ ले समझ लेते हैं सेल करना अगर आप उसको सेल कर रहे हैं ठीक है ऑल दो एस्टिंग्लिशमेंट ऑफ राइट एक्सचेंज वगैरह ये सब चीज ट्रांसफर की डेफिनेशन में आती है बट फिलहाल के लिए सेल मान लेते हैं तो इफ देर इज अ कैपिटल एसेट आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करने पर कोई प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपके प्रॉफिट्स या गेंस आ रहे हैं

तो अगर कोई भी प्रॉफिट आ जाते हैं ट्रांसफर किया आपने क्या ट्रांसफर किया कैपिटल तो कैपिटल गेन आने वाला है किस व्यक्ति के ऊपर ठीक है हु 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 इज 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 द द द पर्सन लायबल टू तो पे कैपिटल गेन ट्रांसफरर जो उसको ट्रांसफर कर रहा है ठीक है ट्रांसफरर का मतलब मैं नॉर्मल सेंस में कह सकता हूं सेलर तो सेलर के हाथों में कैपिटल गेन आने वाला है टेक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ठीक है ट्रांसफरर ठीक है ट्रांसफरर के हाथों तो में ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम मान लेंगे कुछ केसेस होते हैं जहां पर कैपिटल गेन की टैक्स लाइबिलिटी को डिफर किया जाता है कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहली बात फोर्टी फाइव वन चार्जिंग सेक्शन दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है अगर एक कैपिटल एसेट एसेट है है याद रखिए कैपिटल होना जरूरी है। दूसरी बात ट्रांसफर हो उसका ट्रांसफर भी होना जरूरी है तो ट्रांसफरर के हाथों में कैपिटल गेन आ जाता है इन इन द द ईयर कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड प्रॉफिट्स आए या फिर लॉसेस आए दोनों ही चलेंगे दोनों ही इसी सेक्शन में कवर्ड होंगे ओके okay. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट एक कैपिटल एसेट होना जरूरी था तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है क्या सभी तरह के एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं द आंसर इज यस ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स बट उसमें एक नेगेटिव लिस्ट दे दी गई है ठीक है इन एसेट्स को छोड़कर जितने भी एसेट्स हैं वो कैपिटल एसेट्स ही कहलाए जाएंगे तो सेक्शन टू फोर्टीन डिस्कस करता है वट आर कैपिटल एसेट्स लिखा हुआ साफ साफ ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स ऑल एसेट्स में क्या मतलब क्या हो गया मूवेबल एसेट्स हो या इमूवेबल एसेट्स हो दोनों ही असेट्स को हम कैपिटल असेट्स मानेंगे आपके पर्सनल हो हो, या बिजनेस के असेट्स हो, दोनों के दोनों ही असेट्स को हम कैपिटल मानेंगे मैं तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मूवेबल हो या इमूवेबल हो ठीक है पर्सनल हो या बिजनेस के हो सभी असेट्स कैपिटल असेट्स होते हैं एक्सेप्ट द फॉलोइंग इन एसेट्स को छोड़कर ये जो मैंने बॉक्सेस में दिए हैं इन असेट्स के ऊपर हम कैपिटल गेन नहीं मानते हैं ठीक है या तो एग्जेंट होता है या फिर किसी और हेड की इनकम मान लेते हैं ठीक है तो अगर आप ऐसे असेट्स वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह के में डील कर रहे हैं इस तरह के असेट्स को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैपिटल गेन नहीं आएगा फर्स्ट क्या है स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड बहुत इजी है क्योंकि जब आप स्टॉक इन ट्रेड अच्छा बताइए स्टॉक इन ट्रेड लाइबिलिटी होता है असेट्स होता है स्टॉक इन ट्रेड इज ऑल्सो असेट्स

पर्सनल असेट्स हैं आपके आपके अपने पर्सनल असेट्स हैं बिजनेस में यूज नहीं करते पर्सनल असेट्स हैं प्लस मूवेबल असेट्स हैं तो इफ दे आर पर्सनल मूवेबल तो भी हम कैपिटल गेन नहीं आता इसका एग्जांपल दीजिएगा सर मेरे अपनी पर्सनल कार है देखो कार पर्सनल मूवेबल बिजनेस की कार होगी नहीं वो नहीं यहां पर क्या कर्वर्ड है पर्सनल इट शुड बी पर्सनल मूवेबल असेट्स हमारा पर्सनल कंप्यूटर है हमारा पर्सनल लैपटॉप है हमारा पर्सनल मोबाइल है ठीक है ऐसी चीजें ठीक है हमारा पर्सनल मूवेबल होना चाहिए इमूवेबल यानी कि अगर लैंड या बिल्डिंग बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा बट मूवेबल असेट्स बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा सर हमारे पास गोल्ड है गोल्ड भी हमारा पर्सनल है एंड गोल्ड इज मूवेबल तो क्या कैपिटल गेन आएगा द आंसर इज यस आप लोग जानते हैं यानी कि पर्सनल मूवेबल असेट्स में भी एक्सेप्शन है यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि कुछ पर्सनल मूवेबल असेट्स होने के बाद भी हम उनको कैपिटल गेन मानते हैं यानी कि नेगेटिव लिस्ट हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से एसेट कैपिटल एसेट्स नहीं होते और उसके अंदर एक और नेगेटिव लिस्ट आ गई मतलब नेगेटिव और नेगेटिव माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है यानी कि ऐसे एसेट्स सम पर्सनल मूवेबल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स अगर वो पर्सनल भी हैं मूवेबल भी हैं तो भी हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं एंड देयर फोर कैपिटल गेन विल अराइज इस लिस्ट को पढ़ लें पहले देखिएगा ज्वेलरी अगर आपकी पर्सनल ज्वेलरी भी है ना स्टॉक ट्रेड नहीं होना चाहिए अगर ज्वेलर अपनी ज्वेलरी बेचेगा तो पीजीबीपी इनकम आएगी बट हम लोग नॉर्मल लोग जो ज्वेलर नहीं है बट हमारे पास अपनी पर्सनल ज्वेलरी है गोल्ड है प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन है पर्सनल भी है मूवेबल भी है बट अगर हम इसका ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा बिकॉज सम पर्सनल मूवेबल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स ज्वेलरी प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड रूबी एटसेट्रा पेंटिंग्स ड्राइंग स्केचेस या स्कल्पचर्स पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग्स ठीक है महंगी पेंटिंग्स जो होती हैं ठीक है अच्छी खास जिसकी वैल्यू होती है तो वैसी पेंटिंग्स जो लोग अपने घर में लगा कर उसको फ्लॉन्ट करते हैं ये देखिए मेरी आ, ये पिकासो की पेंटिंग है एम एफ हुसैन की पेंटिंग है ये मैंने इटली से खरीदी मैंने वहाँ से खरीदी तो ऐसी पेंटिंग्स ठीक है पेंटिंग्स स्केचेस स्कल्पचर्स ये सब कैपिटल गेन अराइज होगा जिकल कलेक्शन आपके पास कुछ एंशियंट चीजें हैं हैंजिकल कलेक्शन अगर आप उनको ट्रांसफर करते हैं विच हैज सब सिग्निफिकेंट वैल्यू तो दैट विल अगेन गिव राइज टू कैपिटल गेन या फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट एनी वर्क ऑफ आर्ट विच इज कंसिडर्ड एज प्रेशियस ठीक है जो अच्छी खासी वैल्यूएबल आर्ट uh, है अगर आप इसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन राइज होगा इवन सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स डिबेंचर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप इनको बेचते हैं ठीक है ऐसी सिक्योरिटीज ठीक है बॉन्ड्स इन सबके ऊपर भी कैपिटल गेन आता है दोबारा से एक बार रिपीट करें पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते बट देर आर सर्टन पर्सनल मूवेबल एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स होते हैं ज्वेलरी पेंटिंग्स ज्वेलरी पेंटिंग्स ड्रॉइंग स्कल्पचर्स आर्कोलॉजिकल कलेक्शन एनी वर्क ऑफ आर्ट सिक्योरिटीज ये सब कैपिटल एसेट्स में आएगा ठीक है अगेन आई एम गोइंग बैक टू लिस्ट स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल नहीं होता है स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल ज्वेलरी का है तो आपके लिए वो स्टॉक एंड ट्रेड है पीजीबीपी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिल्डर है ठीक है घर बनाकर बेचते हैं आप तो घर इमूबल है बट आपके लिए तो वो स्टॉक इन ट्रेड है ना तो आपके लिए वो कैपिटल गेन नहीं होगा पीजीबीपी की इनकम होगी स्टॉक एंड ट्रेड बेचते हैं तो पीजीबीपी की इनकम आती है पर्सनल मूवेबल असेट बेचते हैं तो कुछ पर्सनल मूवेबल पर तो कैपिटल गेन आता है बाकी पर्सनल मूवेबल बेचते हैं कौन सी इनकम आएगी आई एफ ओ इसकी आएगी इज नो no. अगर आप अपने घर का फर्नीचर बेचते हैं ठीक है देखिए फर्नीचर यहां पर कवर नहीं है अगर हम घर का फर्नीचर बेच देते हैं तो दैट इज कौन सी इनकम आई एफ ओ एस की इनकम हो जाती है द आंसर इज नो प्लीज याद रखिएगा बिकॉज वी अंडरस्टैंड इनकम टैक्स लॉ ज अम्प्रीहेंसिव लॉ फॉर रेवेन्यू इनकम अगर हमारी रेवेन्यू इनकम हो रही है तो हम बोलते हैं इनकम टैक्स में टेक्सीबल होगी हमेशा बट अगर हमारी कैपिटल होती है तो क्या कैपिटल रिसेट्स के लिए इनकम टैक्स कॉम्प्रीहसिव है नो इट इज सिलेक्टिव अभी की हम रेगुलर क्लास में करते हैं अभी आप समझ गए होंगे मुझे सिर्फ रिवाइज कराना था तो जो कैपिटल रिसेट होती है आपकी जो कैपिटल रिसेट होती है तो वो हम आपकी इनकम टैक्स tax में टैक्सेबल जनरली नहीं करते ठीक है अगर वो स्पेसिफिकली लॉ में मैंशन है तभी करते हैं तो जो भी कैपिटल रिसिट्स होती हैं, तो हम जनरली बोलते हैं कि दीज आर एक्जेप्ड इनको हम इनकम टैक्स में नहीं लेते अनलेस एंड एंटेल इट इज स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट कैपिटल रिसिट्स के लिए सेलेक्टिव है सेलेक्टिव मतलब वो स्पेसिफिकली बताता है कि कौन कौन सी कैपिटल रिसिट्स को हमें टैक्सेबल करना है अदरवाइज हम सभी कैपिटल रिसिट्स को बोल देते हैं कि इसमें टैक्सेबल नहीं करेंगे अब आई एम कमिंग टू माय पॉइंट कि अगर आपने अपना कोई पर्सनल मूवेबल मूवेबल असिट्स बेचा जैसे कि अगर अपने घर का फर्नीचर बेच दिया या अपने घर का घर में यूज कर रहे हैं आप कार वो बेच दी तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा ठीक है ठीक है कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि वो हमारी नेगेटिव लिस्ट में है कौन सी इनकम आएगी कोई भी इनकम नहीं आएगी क्योंकि वो कैपिटल असेट है और मैं आपको एक और लॉजिक दे देता हूं कि जो बाकी के आपके पर्सनल मूवेबल असेट्स होते हैं ना उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है हमेशा कम होती है आप कार खरीद लीजिए अपने घर का फर्नीचर ले लीजिए अपने घर का टीवी ले लीजिए तो उन सबकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो अगर आप बेचेंगे तो हमेशा लॉस आएगा तो साफ तौर पर इनकम टैक्स ने बोल दिया कि हम लॉस आएगा तो हमारा तो फायदा नहीं होगा इनकम टैक्स का तो नुकसान हो जाएगा ना डिपार्टमेंट का तो इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि आपके जो पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं उसके ऊपर तो हम इनकम ही नहीं बनाएंगे ठीक है सब लोग समझ गए कमिंग बैक क्या एग्रीकल्चर लैंड लैंड अब देखो लैंड इज एन इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लैंड तो एक कैपिटल एसेट होता है एग्रीकल्चर लैंड भी एक कैपिटल सेट होता है बट इफ इट इज अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो फिर हम उसको कैपिटल गेन उस पर नहीं बनाते कौन सी इनकम बनाते हैं कोई भी इनकम नहीं बनाते वो एग्जेम्ट होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड की एक बार डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने रेगुलर बुक से ठीक है तो वहां पर हम देखते हैं पॉपुलेशन देखते हैं डिस्टेंस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा रूरल एग्रीकल्चर लैंड निकल जाता है ओके गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और स्पेशल बियर बॉन्ड्स इनको भी हमने जनरली सिक्योरिटीज को शेयर्स बेचें कैपिटल गेन आएगा डिबेंचर्स बेचें कैपिटल गेन आएगा हाँ अगर वो आपका स्टॉक है तो फिर तो पीजीबीपी की इनकम बट अगर आपका वो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है इन्वेस्टमेंट है आपकी तो शेयर्स बेचने पर डिबेंचर्स बेचने पर बॉन्ड्स बेचने पर कैपिटल गेन आता है बट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड स्पेशल बियर बॉन्ड्स इन दोनों के ऊपर बोल दिया गया कि हम कैपिटल गेन भी नहीं निकालेंगे ठीक है एक बार रिपीट कर लें क्या क्या चीजें डिस्कस किए हैं हमने अभी तक फोर्टी फाइव वन चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है ठीक है एक मिनट देख लीजिए चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है क्या चीज जरूरी है कैपिटल असेट होना जरूरी है प्लस उसका ट्रांसफर हो रहा हो ट्रांसफरर के हाथों में हम लोग कैपिटल गेन निकाल देते हैं ठीक है और कैपिटल एसेट्स एसेट्स की डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट ऑल आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग बट इसमें भी एक नेगेटिव लिस्ट है कि कुछ पर्सनल मूवेबल एसेट्स होने के बाद भी उसको हम कैपिटल एसेट मानते हैं एंड देयर फॉर कैपिटल गेन विल अराइज ठीक है arise, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है प्लीज नोट सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय एफ आई आई फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ठीक है फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अगर कोई सिक्योरिटीज हैं तो मेनली इनके लिए वो स्टॉक एंड ट्रेड होता है तो इनकी पी जीबीपी की इनकम आनी चाहिए बट लॉ ने स्पेसिफिकली इनके लिए बोल दिया कि आपके लिए हम पी जी बी पी इनकम नहीं बनाएंगे आपके लिए हम कैपिटल ये नहीं बनाएंगे तो द सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके ऊपर भी हम कैपिटल गेन की इनकम बनाते हैं क्योंकि इनको फायदा दिया गया क्योंकि हम लोगों को पता है कि कैपिटल गेन का टैक्स जनरली कम होता है बाकी इनकम से ठीक है कैपिटल गेन में आपका कम रेट ऑफ टैक्स है इसीलिए एफ के पास अगर कोई सिक्योरिटीज हैं तो उसको भी हमने कैपिटल सेट माना इनकी पीछे इनकम नहीं बनाई गई ओके okay, अब हमारी बात आती है फोर्टी वन के बाद मुझे कुछ फोर्टी फाइव वन के बाद के स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं जैसे कि वन ए टू फोर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव टू ए फोर्टी फाइव थ्री फोर फाइव फाइव ए बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सबसे पहले हम कैसे कंप्यूट करते हैं अपना कैपिटल गेन ठीक है आप प्लीज याद कीजिएगा हम लोग जब पी पढ़ते हैं तो सेक्शन ट्वेंटी एट याद आ गया पी ठीक है सेक्शन ट्वेंटी एट चार्जिंग सेक्शन ऑफ पी होता है ट्वेंटी नाइन क्या होता है जल्दी से बताइए ठीक है ट्वेंटी नाइन क्या होता है कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी पीजीबीपी को कंप्यूट कैसे करते हैं ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको सेम कैपिटल गेन वाले फॉर्मेट में बातें करता हूं तो ट्वेंटी एट चार्जिंग सेक्शन था पीजीबीपी का कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या था फोर्टी फाइव वन ठीक है सेक्शन ट्वेंटी नाइन था कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी और कैपिटल गेन में वो है सेक्शन 48 ठीक है तो मैं कुछ सेक्शंस पर जंप करके पहले डायरेक्टली 48 पर आ रहा हूं फिर मैं वापस आ जाऊंगा 48 क्या होता है कैसे कंप्यूट करते हैं अपना कैपिटल गेन तो मैं हमेशा एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं कि हम लोगों को कैसे कंप्यूट करना है अपना कैपिटल गेन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये वाला फॉर्मूला हम क्लास सिक्स से पढ़ के आ रहे हैं इनफैक्ट उससे भी पहले से शायद फोर्थ से प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बिल्कुल सेम फॉर्मूला है कैपिटल गेन निकालने के लिए भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज प्रॉफिट याद भी नहीं करने की जरूरत है तो बचपन से हमें पता है बट हम इसका नाम चेंज कर देते हैं कैपिटल गेन में सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस को बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ठीक है दिस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन ठीक है तो नाम चेंज कर दिए फॉर्मूला वही है ठीक है फॉर्मूला वही है हाँ कॉस्ट के और भी कुछ कॉस्ट आ सकती है इसमें जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन ट्रांसफर तो इन तीनों को मैं कॉस्ट बोल सकता हूं मेरी ठीक है तीन पार्ट सी ओ ए कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन सी ओ आई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसिज ऑन ट्रांसफर ठीक है सबको समझ में आ गया ऐसे हम अपना कैपिटल गेन निकाल देते हैं सेलिंग याद रखिएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ठीक है ओके कैसे कंप्यूट करते हैं हम लोग सेक्शन 48 एट कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेलिंग प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसमें से ये तीन कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसिज ऑन ट्रांसफर तो हमारे पास कैपिटल गेन आ जाता है ठीक है बट इस कैपिटल गेन को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कंप्यूट करते हैं तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्सेशन कर देते हैं ठीक है हम लोग इंडेक्सेशन कर देते हैं और Uh, हम थोड़ा सा इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं और in, और हमें इन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी गिवन होते हैं ठीक है याद है आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गिवन होते हैं कैसे हम इसको इंडेक्स करेंगे बहुत इजी है हम इसको प्रोपोर्शनेटली इंडेक्स कर देते हैं अभी मैं बता भी देता हूं बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात एक मैं कर लेता हूं सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें शॉर्ट टर्म निकालना है या लॉन्ग टर्म निकालना है तो डिपेंड करता है कि आपने जो असेट बेचा है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था अगेन रिपीटिंग कैसे पता चलता है कि वेदर जो कैपिटल गेन आने वाला है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बट उससे भी पहले क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को अलग अलग क्यों कर रहे हैं एक साथ ही बोल देते ना कैपिटल गेन है ठीक है नहीं हमें अलग अलग करना जरूरी है बिकॉज दोनों के ऊपर टैक्स रेट्स डिफरेंट अगेन रिपीटिंग अगर एस एससी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो उसको ट्वेंटी परसेंट रेट ऑफ टैक्स देना होता है कुछ पर, कुछ केसेस में टेन परसेंट भी है ठीक है यानी कि लॉन्ग टर्म के ऊपर अलग रेट्स है शॉर्ट टर्म के ऊपर अलग रेट्स हैं ठीक है हम लोग नॉर्मल रेट्स देते हैं अगर एस एस सी इंडिविजुअल तो स्लैब रेट्स भी लगता है कुछ शॉर्ट टर्म के ऊपर जैसे हम ट्रिपल वन एक सेक्शन आपको याद आता होगा उस पर फिफ्टीन परसेंट रेट भी देते हैं तो आई मीन टू से दोनों के ऊपर टैक्स हमें अलग अलग रेट से देना है तो इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वेदर इट इज टर्म कैपिटल गेन और अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो दैट डिपेंड्स अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है तो आपने इसको कितने दिन तक अपने पास होल्ड किया है अगर वो जनरली सिंह अगर वो तीन साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं कि अब इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तीन साल या उससे पहले आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका तीन साल या उससे कम होता है तो विल से दैट इट्स अ शॉर्ट टर्म कैप इसके ऊपर गेन आने वाला है ठीक है देर आर सर्टन एसेट्स कुछ एसेट्स हैं जिनके लिए हम तीन साल ना देखकर एक साल भी देखते हैं कुछ एसेट्स के ऊपर हम दो साल भी देखते हैं तो पहले उसको डिस्कस कर लें ओके सो फर्स्ट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग ठीक है पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें कैसे पता चलता है तो हम इसको देखते हैं कि हमने इसके ये हमारे पास असेट कब से आया तो इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन जब से इस, आपने इसको एक्वायर किया उस दिन से ये स्टार्ट हो जाता है और कब तक जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं उसके ठीक एक दिन पहले तक क्योंकि जिस दिन आपने ट्रांसफर कर दिया वो सामने वाले का हो गया ठीक है उससे ठीक एक दिन पहले तक

ये हमारा असेट था तो हमने इसको कितने दिन तक होल्ड किया जब से हमने इसको परचेज किया था या जब से हमें यह मिला था परचेस करने से लेकर जब से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया ठीक उससे एक दिन पहले तक हम अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं और अगर ये पी, पीरियड ऑफ होल्डिंग तीन साल से ज्यादा होता है तो यह लॉन्ग टर्म असेट बन जाता है और इसके ऊपर लॉन्ग टर्म गेन आने वाले हैं ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव एज द केस में भी अगर ये आपने तीन साल या इससे पहले ही ट्रांसफर कर दिया यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग तीन साल या उससे कम था तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाता है ठीक है इफ इट इज मोर देन थ्री इन द लॉन्ग टर्म है अदरवाइज शॉर्ट टर्म है बट कुछ केसेस में हम एक साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग के बाद ही लॉन्ग टर्म बोल देते हैं और कुछ केसेस में हम दो साल के पीरियड ऑफ होल्डिंग के बाद ही लॉन्ग टर्म बोल देते हैं तो कौन कौन से केसेस हैं ऐसे दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है एक साल हमें किस चीज के लिए लेना है और दो साल किसके लिए लेना है बाकी सबके लिए तो तीन साल ही लेने हैं आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है ओके okay, एक साल लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज बेचते हैं लिस्टेड लिस्टेड शेयर्स बेचते बेचते हैं बेचते हैं तो एक साल के बाद ही उसको हम लॉन्ग टर्म मान लेते हैं ठीक है एक साल के बाद ही लॉन्ग टर्म आ जाएगा तो लिस्टेड शेयर शेयर कुड बी इक्विटी शेयर प्रिफरेंट शेयर सिक्योरिटीज यहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब डिवेंचर बॉन्ड्स भी आ जाएगा तो एक साल के बाद अगर आप लिस्टेड शेयर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म आने वाला है अगर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आर ऑल्सो योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो इनके ऊपर भी कैपिटल गेन आता है तो अगर आप म्यूचुअल फंड अब मैं ये डिटेल में नहीं जाऊँगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं अदरवाइज फिर वो रेगुलर क्लास हो जाएगी ठीक है तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कौन से यूनिट्स क्या सभी यूनिट्स नो no. इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट सो यू अंडरस्टैंड देय आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स कुछ डेट ओरिएटेडेडेडेड होती हैं कुछ इक्विटी ओरिएटेडेड होती हैं इक्विटी ओरिएंटेड के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो 65 परसेंट या उससे ज़्यादा अपना कैपिटल कैपिटल को इसको बोलते हैं कॉरपस तो सिक्सटी फाइव या उससे ज़्यादा परसेंट अपनी कैपिटल टूवर्ड्स इक्विटी शेयर्स जो लगाते हैं ऐसी स्कीम्स को बोला जाता है इक्विटी ओरिएटेड स्कीम्स तो इक्विटी स्कीम्स के यूनिट्स जब आप बेचते हैं तो एक साल के बाद ही लॉन्ग टर्म मान लेंगे यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स हो या जीरो पीजीबी में भी पढ़ते हैं इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको थी, तो जीरो तो सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐसे तो क्या सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक साल के बाद नहीं ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स को एक साल के बाद ही लॉन्ग टर्म बना देंगे ठीक है दो साल किस किस के लिए देखना है जो आपके अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं सिक्योरिटीज नहीं अनलिस्टेड शेयर है ठीक है अनलिस्टेड शेयर हो चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो ठीक है जैसे कि अनलिस्टेड शेयर कौन से होते हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज के शेयर या फिर किसी ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स भी जिन लोगों ने अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कराया हुआ ठीक है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है ठीक है जैसे आपको पता है पब्लिक कंपनी सात लोगों से मिलकर बन जाती है तो सात लोगों ने आपस में मिलकर बना ली कंपनी बट तो अभी लिस्ट नहीं कराई है तो दैट इज एन अनलिस्टेड कंपनी ठीक है प्राइवेट कंपनी तो सभी अनलिस्टेड ही होती है अनलिस्टेड का मतलब होता है नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस तो अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बेचें ठीक है वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस तो दो साल के बाद लॉन्ग टर्म बनाइएगा दो साल के बाद लॉन्ग टर्म बना दीजिएगा दो साल तक या उससे पहले पहले शॉर्ट टर्म ही रहेंगे अब देखिए लिस्टेड शेयर्स एक साल के बाद अनलिस्टेड शेयर दो साल के बाद लिस्टेड लिस्टेडर लिस्टेड डिबेंचर लिस्टेड सिक्योरिटीज में आ जाएगा एक साल के बाद अनलिस्टेड अनलिस्टेडर्स यहां पर नहीं लिखा अनलिस्टेड तीन साल के बाद पक्का ठीक है और क्या चीज दो साल के बाद अनलिस्टेड शेयर शेयर लिखा है यहां पर सिर्फ और लैंड या बिल्डिंग या दोनों तो अगर आप अपना लैंड बेचें या बिल्डिंग बेचें या एक लैंड और बिल्डिंग एक साथ बेचते मतलब एक फॉर एग्जांपल आपने घर बेचा बिल्डिंग और लैंड एक साथ तो इसको भी हम दो साल के बाद ही लॉन्ग टर्म बना देंगे ठीक है सबको समझ में आता है तो दिस इज पीरियड ऑफ होल्डिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर द कैपिटल गेन विच इज कमिंग अप इज अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म ठीक है ओके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कंप्यूटेशन से रिलेटेड एक बार रिपीट कर मैं कर देता हूं सबसे पहले याद रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आ रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की आपको इंडेक्सेशन करनी होगी इंडेक्सेशन कैसे करते हैं सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है उसका सी आई आपको न्यूमरेटर में लिखना हुआ है, लिखना है जैसे कि टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए सी आई है थ्री जीरो वन ठीक है ये सी आई आपको गिवन होंगे सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाई सी आई आई ऑफ द ईयर इन विच इट इज फर्स्ट हेल्ड बाई एस एस सी यानी कि आपके पास ये असेट सबसे पहली बार कब आया था उसका सी आई डिनोमिनेटर में लिखना है जिससे कि आपको एक प्रपोशन मिल जाए कि आपने इन्फ्लेशन से इसको इंडेक्स कर दिया है इंटू कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन या फिर अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो इंटू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाई सी आई ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ठीक है बट याद रखिएगा देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सीआई ऑफ द ईयर इन विच इट इज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी यानी कि एसएससी के पास ये पहली बार कब आया तब का आपको सीआई लिखना है जैसे कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट लेट्स से कैपिटल एसेट था फॉर एग्जांपल देयर वाज अ लैंड ठीक एक लैंड था मिस्टर ए ने इसको परचेस किया था ऑन वन फाइव टू थाउजेंड टू में ठीक है मिस्टर ए ने इसको परचेस किया था वन फाइव टू थाउजेंड टू में इन्होंने इसको बेच दिया मिस्टर ए ने इसको बेच दिया टू मिस्टर बी ऑन लेट से फिफ्टीन फाइव टू थाउजेंड इलेवन में ठीक है अब नाउ मिस्टर बी इज सेलिंग दिस असेट

दो साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा अब देखिए 2020-21 में में आप बेच रहे हैं 2011 में आपने इसको एक्वायर किया था इट इज मच मोर देन टू टर्म आने वाला है तो हम इसके लिए सी इंडेक्सेशन कैसे लेंगे जब हम इसको इंडेक्सेशन करेंगे तो हम न्यूमरेटर में लेते हैं ठीक है ऊपर ये न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है तो हम लोग न्यूमरेटर में लेते हैं सी ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर जिस साल हमने इसको ट्रांसफर किया यानी कि हमारा आएगा सी आई आई ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए सी आई आई कितना था डिवाइडेड बाय सी आई आई जब हमने इसको एक्वायर किया था जब ये हमारे पास पहली बार आया था इट वॉज़ फर्स्ट हेल्ड बाय एस एस सी एस एस सी के पास ये सबसे पहले कब आया था एस एस सी कौन है यहाँ पर एस एस सी इज मिस्टर बी मिस्टर बी यहाँ पर एस एस सी है इनके पास ये सबसे पहले कब आया था फिफ्टीन फाइव टू थाउजेंड इलेवन में यानी कि कौन सा ईयर है दिस वॉज इलेवन एंड ट्वेल्व तो हमें सी आई आई लेना होगा 2011 और 12 के लिए जो आपको गिवन होगा ठीक है ये आपको में लेना है इन टू कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन जितने में आपने इसको खरीदा था ठीक है अब इज़ एन केस, मंजुला जे शाह ये केस में क्या डिसाइड हुआ अगर असेसी आपने इसको खरीदा नहीं था अगर ये आपने इसको खरीदा नहीं था बट ये आपको अपने किसी रिलेटिव से ठीक है मिला था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा और मिस्टर ए बेचा नहीं एक्चुअली ये इनको असेट दे दिया गया क्योंकि इट इज बाय वे ऑफ लाइक इनहेरिटेंस मिस्टर ए फादर थे उन्होंने अपने बेटे को मिस्टर बी को दे दिया था ठीक है तो हम लोग अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है मिस्टर बी इसको बाद में बेच रहे हैं ठीक है मिस्टर बी असे सी हैं ठीक है सब लोग क्लियर है इसमें मिस्टर बी इज एन तो एंड ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ट्वेंटी मिस्टर बी बेच रहे हैं डिवाइडेड बाई सी आई ऑफ द ईयर ऑफ तो उनके लिए तो इलेवन टेगा बट इस केस में यह डिसाइड किया था कि अगर आपको मिला था प्रीवियस ओनर से मिला था बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और आपने उस समय कोई आपके ऊपर टेक्स लाइबिलिटी नहीं आई थी तो आप प्रीवियस ईयर का भी होल्डिंग पीरियड एड कर सकते हैं यानी कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अपने फादर से मिला है अपने रिलेटिव से मिला है तो उस केस में आप ये पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू से काउंट कर सकते हैं यानी कि डिनोमिनेटर में आप 2002 और 3 का सी भी ले सकते हैं ठीक है उस केस में प्रीवियस के केस में और अगर आप ये ऐसा ले रहे हैं तो प्लीज वहां पर क्वेश्चन में कोट कर दीजिएगा रेफर मंजुला जे शाह केस ठीक है याद आ गया आपको मंजुला जे शाह केस क्या था कमिंग बैक बट ये आप मंजुला जय शाह के तभी रेफर कर सकते हैं प्रोविजन आप तभी रेफर कर सकते हैं जब आपको प्रीवियस ओनर से मिला हो और उस समय आपके ऊपर कोई टैक्स ना हो उससे आप आपके ऊपर कोई टैक्स ना हो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसे केस भी आ जाते हैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ए ने बी को यह गिफ्ट दे दिया था ठीक है और ए और बी में कोई रिलेशन नहीं था कोई रिलेशन नहीं था बट बी को इसको गिफ्ट दे दिया गया था तो क्या ए इसके प्रीवियस ओनर हो जाते हैं उस केस में द आंसर इज नो क्योंकि जब बी को मिला था तो इनके ऊपर गिफ्ट वाला टैक्स लग गया होगा यानी कि आई एफ ओ एस में जब हम पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सोर्सेज में पढ़ते हैं कि आपको कोई इमूवल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल जाती है तो आपको टैक्सेबल हो जाता है हाँ अगर वो आपको अपने रिलेटिव से मिल रही है तब नहीं होता बट नॉन रिलेटिव से मिल रही है तब आपको टैक्सेबल हो जाता है तो उस केस में मिस्टर बी के हाथों में ये पहले से टैक्स यहाँ पर हो गया होगा जब रिसीव हुआ हुआ था तो उस अगर ये टैक्सेबल यहाँ पर हो गया था तो आप फिर आपको प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट नहीं लेने होते हैं ठीक है सबको याद आ गया पुरानी बातें हैं

करंट ईयर का सीआई थोड़ा सा पता हो तो ज्यादा अच्छा रहता है ठीक है अगर असेट फर्स्ट अप्रैल इंपॉर्टेंट बातें हैं ये अगर कोई भी असेट आपका फर्स्ट अप्रैल 2001 से पुराना एक्वायर हुआ था क्योंकि आपको पता है सीआई शुरू होते हैं हंड्रेड कब से शुरू होता है टू और टू से 2001 और टू से. 2001 और टू हमारा बेस ईयर है यहां से हमारा सीआई हंड्रेड है उससे पुराने सी हमारे पास होते नहीं है तो अगर इन केस अगर हमने एक चार 2001 से ठीक है इट वाज परचेज बिफोर फर्स्ट अप्रैल 2001 थाउजेंड वन तो उस केस में हम लोग सीआई कितना लेंगे हंड्रेड ठीक है क्योंकि हमें पुराना सीआई नहीं पता है वो गिवन ही नहीं है और उस केस में कॉस्ट हमारी चेंज हो जाएगी अगर हमारी फेयर मार्केट वैल्यू एफ एम फेयर मार्केट वैल्यू वन फोर टू थाउजेंड वन की ज्यादा है तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं ये हमें फायदा मिलता है ठीक है ये हमें फायदा मिलता है कि हम फेयर मार्केट वैल्यू वन फोर टू थाउजेंड वन की ले सकते हैं बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है इसी साल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है लैंड और बिल्डिंग के लिए ठीक है अगर आपकी कोई लैंड या बिल्डिंग ठीक है या बोथ वन फोर टू थाउजेंड वन से पुरानी है तो आपको पता है फेयर मार्केट वैल्यू आप ले सकते हैं अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है बट यहां पर इसको प्लीज फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर कीजिएगा उसकी स्टेम्प वैल्यू से भी स्टेंप वैल्यू आपकी वन फोर टू थाउजेंड वन की स्टेम्प वैल्यू से भी कंसिडर कीजिएगा कि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कहीं स्टेम्प वैल्यू से ज्यादा ना हो इट शुड नॉट एक्सीड योर स्टैम्प वैल्यू अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प वैल्यू से कम है तो फिर तो फेयर मार्केट वैल्यू आप ले सकते हैं बट अगर स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू आई एम रिपीटिंग टू थिंग्स। फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प वैल्यू ठीक है स्टेंप वैल्यू अंडरस्टैंड स्टैंप वैल्यूशन पर हम जो वैल्यू लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है तो जनरली तो हम वन फो टू थाउजेंड वन से पुराने वाले अस्ट्स के लिए फेयर मार्केट वैल्यू लिया करते थे बट इस साल सिर्फ अमेंडमेंट आई है फॉर इन द केस ऑफ लैंड बिल्डिंग बोथ ठीक है लैंड बिल्डिंग के बारे में प्रॉपर्टी के बारे में कि जब आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं तो प्लीज चेक कर लीजिएगा कहीं वो स्टेम्प वैल्यू से ज्यादा ना हो अगर वो स्टेंप वैल्यू से ज्यादा है तो प्लीज उसको स्टेम वैल्यू तक ही रिस्ट्रिक्ट रखिएगा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है ओके एनी इंप्रूवमेंट ठीक है याद कर लीजिएगा वन फोर टू थाउजेंड वन से पुरानी इंप्रूवमेंट को हम हमेशा इग्नोर करते हैं उससे पुरानी इंप्रूवमेंट हम नहीं लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं वो सारी बातें हम लोग रेगुलर क्लास में डिस्कस किया करते थे और नेक्स्ट पॉइंट भी हमने नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता है ठीक है लॉजिक क्या था तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड ठीक है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अच्छे से कि हम बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का इंडेक्सेशन नहीं करते आई बिलीव आपको याद आ गया होगा ठीक है अभी फिलहाल के लिए याद करने के लिए हम लोग चार्टर वेचन कर रहे हैं कि बॉन्ड्स का और डिबेंचर्स का प्लीज कभी भी इंडेक्सेशन मत कीजिएगा अगर वो लॉन्ग टर्म भी हैं तो बट सिर्फ एक तरह के बॉन्ड्स होते हैं कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड सी आई बीस इन लोग ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड बॉन्ड्स होते हैं इनका इंडेक्सेशन हो सकता है ओके okay, क्लियर है सेक्शन फोर्टी एट

अगर वो लैंड और बिल्डिंग है तो आप इसकी फेयर मार्केट वैल्यू वन अगर ले रहे हैं तो प्लीज उसकी से उसको कर अगर में नहीं है, फिर तो छोड़ अगर स्टेम्प तो वैल्यू से ज्यादा आप फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते ठीक है ओके फोर्टी फाइव वन कर लिया चार्जिंग सेक्शन कैपिटल होता है ठीक है पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है एक साल दो साल और जनरली तीन साल कंप्यूटेशन नाउ आई एम कमिंग बैक मैं 45 फाइव डिस्कस कर रहा था एंड नाउ आई एम कमिंग टू सम्पेशल प्रोविजन फोर्टी फाइव वन ए इंश्योरेंस क्लेम इनकेस अगर कोई भी एस एस सी का कोई भी कैपिटल असेट ठीक है कोई कैपिटल असेट था उसका और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कोई नेचुरल डिजास्टर कैलमिटी ठीक है अर्थक्वेक साइक्लोनिट सेक्टर से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका इंश्योरेंस था तो जिस साल वो डिस्ट्रॉय हो गया उस साल तो ट्रांसफर मान लिया जाता है बट हो सकता है कि इंश्योरेंस क्लेम मिलने में एक साल या दो साल या तीन साल लग जाए फॉर एग्जाम्पल क्लेम आपको एक या दो साल के बाद मिल रहा है तो यहां पर लॉ ने हमारे साथ एक सिंपथी दिखाई है ठीक है लॉ ने क्या कहा है कि अगर किसी भी एस एस सी का कैपिटल असेटेड से डिस्ट्रॉय हो गया तो हम क्या उस साल उसको बोल दें कि आपका कैपिटल असेट था ठीक है ट्रांसफर हो गया क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है ठीक है मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अगर कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो भी हमारी कैपिटल ट्रांसफर तो तो का अट डिस्ट्रॉय तो हो गया और हम उससे कैपिटल गेन टैक्स की लाइबिलिटी उस लगा देंगे क्या द आंसर इज नो हम उसकी टैक्स लाइबिलिटी को डिफर कर देते हैं हम उसको बोलेंगे बॉस जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तब हम इसकी कैपिटल की लायबिलिटी को हम तब अराइज करेंगे हाँ, ट्रांसफर तो कर उस साल की हम कैपिटल गेन की लाइबिलिटी को अराइज कर देंगे और कैसे कंप्यूट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी जितना आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ठीक है जितना भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है अगर इंश्योरेंस क्लेम इन काइंड में मिले तो ठीक है फॉर एग्जाम्पल किसी का घर डिस्ट्रॉय हो गया इंश्योरेंस कंपनी ने घर दे दिया प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है बट इन इनकेस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको चीजें मिल रही हैं उसकी मार्केट वैल्यू ले लीजिएगा ठीक है फिर हम उसकी मार्केट ले वैल्यू ले लेते हैं कैश में तो कैश वाली वैल्यू कैश का मतलब मॉनेटरी फॉर्म में नॉन टरी फॉर्म में तो उसकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू है जब वो रिसीव किया वो हमारी कंसिडरेशन प्राइस हो जाता है सर दोनों मिल गए कैश और काइंड मिल गया तो कोई बात नहीं ऐड कर लीजिएगा कुल मिलाकर लॉजिक ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना चीजें दे रही है वो आपकी कंसिडरेशन वैल्यू हो जाएगा और जो भी आपका असट डिस्ट्रॉय हुआ था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी ले लीजिएगा कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल हम कैपिटल गेन टैक्सेबल कब करेंगे इन द ईयर व्हेन द क्लेम इज रिसीव्ड हो सकता है कि कैपिटल Uh, जो डिस्ट्रॉय हुआ है कैपिटल सेट वो एक साल पहले हुआ हो बट क्लेम एक साल के बाद मिल रहा हो तो जब एक साल के बाद एक्चुअली क्लेम मिलेगा तब हम हाँ आपकी लाइबिलिटी को अराइज करेंगे हाँ बट अगर इंडेक्सेशन याद रखेगा यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं अगर इंडेक्सेशन आपको करना है तो प्लीज हमें इंडेक्सेशन का फॉर्मूला क्या है प्लीज उस फार्मूले को चेंज मत कीजिएगा सीआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर कब हुआ था जब वो कैपिटल से डिस्ट्रॉय हुआ था। हम टैक्सेबल कर रहे हैं उसको किसी ईयर में बट वो ट्रांसफर तो पहले से हो चुका था आई बिलीव ये समझ में गया आपको so, year, अगर असेट आपको मिला है इन काइंड टेक एफ एम बी अगर आपको कोई असेट मिल गया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तो उसकी आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिएगा

एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूं मैंने क्या कहा अब देखिए जो भी मैंने ये बातें बोली बहुत ज्यादा लॉजिकल है ठीक है इसमें कुछ याद वगैरह करने के लिए नहीं होता मतलब आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको समझ अच्छे से रिटेन रहता है अब देखिएगा देखिए अगर आपके पास स्टॉक है अगर स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो पीजीबीपी ठीक है कुछ याद करने की जरूरत नहीं स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो पीजीबीपी और अगर आपके पास एक कैपिटल असेट है और आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन आएगा ठीक है तो ये बातें हम लोग पढ़ते हैं ठीक है स्टॉक ट्रांसफर करा सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ सेक्शन 45 कैपिटल गेन ठीक है तो यहां पर मैं पूरा लिख दूं, उसको स्टॉक इन फर्स्ट को स्टॉक इन ट्रेड को अगर आप कैपिटल असेट में चेंज करते हैं तो पीजीवी गेन कम आती है कैपिटल असेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं एस भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल असेट को अगर आप स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपका कैपिटल गेनराइज होगा ठीक है क्योंकि यहां पर कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रहा है ठीक है दिस इज सेक्शन 45 टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इन स्टॉक एंड ट्रेड अब मान लेते हैं कि आपके पास एक कैपिटल एसेट था उसको आपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया लेट से आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपके पास एक लैंड था जो आपने एज अ कैपिटल एसेट परचेज किया था ठीक है आपने एक लैंड में इन्वेस्टमेंट किया था चार पांच छह साल तक आपने उसको लैंड को अपने होल्ड किया बाद में फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी डीलिंग का इस तरह का बिजनेस शुरू कर दिया और आपने वो लैंड ट्रांसफर कर दिया एज स्टॉक एंड ट्रेड तो इसको भी हम ट्रांसफर मानते हुए कैपिटल गेन अराइज कर देंगे बट अभी आपने सिर्फ ट्रांसफर किया है अभी आपने सिर्फ ट्रांसफर किया है इसको बेचा नहीं है ये ठीक ऐसे ही है कि फॉर एग्जाम्पल लेट से सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि इसका नाम कैलकुलेटर है ठीक है कैलकुलेटर ठीक है ये कैलकुलेटर है इसको अगर मैं आज से इसका नाम चेंज कर दूं अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं इसको कैलकुलेटर की जगह मैं कुछ और बोलने लगू ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस कैलकुलेटर को मैं आई मैक बोलने लगू लेकिन लेट से तो क्या आज मेरा इनकम हो गई द आंसर इज नो जब ये एक्चुअली बिकेगा जब ये एक्चुअली बिकेगा उस समय इनकम होगी तो सिर्फ नाम चेंज करने से तो हम इनकम नहीं बनाएंगे ना तो हम लोग क्या यहां पर फोर्टी फाइव टू में क्या पढ़ते हैं सब लोग समझ गए होंगे ये वाली बातें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक कैपिटल सेट है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक एंड ट्रेड में तो हम इसको कैपिटल गेन तो मान लेते हैं बट अभी हम फिलहाल इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे जब ये एक्चुअली बिकेगा तब हम इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं जब ये एक्चुअली बिकेगा तब हम इसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज करेंगे बट जब वो जिस समय वो बिक रहा है ठीक है उस समय वो एज स्टॉक बिक रहा है तो क्या पीजीबी भी आता है द आंसर इज यस उस समय हमारी दोनों इनकम राइज होती हैं कैपिटल गेन भी अराइज होता है और पीचीबीपी याद आ गया आपको तो, trade, जब ये बिकेगा तब उस साल हम इसका करेंगे इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल देर विल बी टू टाइप्स ऑफ गेन दो तरह के गेन आएंगे कौन से एक तो कैपिटल गेन और दूसरा पीचीबीपी ठीक है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है बस इसको याद रखेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको लेनी होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जब आपने इसको कन्वर्ट किया तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी ठीक है और इसकी कॉस्ट कॉस्ट को आप आप ऑफ मानते हुए यहां पर कैपिटल गेन निकाल देंगे ठीक है और इंडेक्सेशन विल बी डन ओनली अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन इंडेक्सेशन आप तब तक का कीजिएगा एट द डेट ऑफ कन्वर्जन एक मिनट के लिए आपको और डिटेल में समझा दू थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फाइव टू टू थाउजेंड टू को आपने एक कैपिटल असेट परचेज किया था यहां पर आपने कैपिटल असेट परचेज किया उसके बाद लेट से वन इलेवन टू थाउजेंड नाइनटीन को आपने यहां पर इसको कन्वर्ट कर दिया यहां पर इसका कन्वर्जन हो गया फ्रॉम कैपिटल कैपिटलिस्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ठीक है और फिर अल्टीमेटली आपने इसको आगे किसी डेट पर लेट से फिफ्टीन सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी को आपने इसको सेल कर दिया ठीक है यहां पर आपने इसको सेल कर दिया तो मेरे कहने का यहां पर मतलब है कि इस समय जब आप इसको एक्चुअल सेल कर रहे हैं तो यहां पर आपकी कैपिटल गेन की भी इनकम आएगी और यहां पर आपकी पीछी बीपी की भी इनकम आएगी ठीक है यहां पर आपकी दोनों हेड की इनकम आने वाली है हम इसको कैसे कंप्यूट करते हैं देखिए सबसे पहले ये कैपिटल असेट कब तक था ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है सॉरी रेड हो गई अब ये ठीक है ब्लू कर देता हूं वापस तो ये तो जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है यहां तक ये कैपिटल असेट था और आपको ये जो रेड नजर आ रहा है ये आपका स्टॉक एंड ट्रेड था तो जितना भी आपको कैपिटल गेन या पीजीबीपी की इनकम आ रही है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी यहां से लेकर यहां तक के लिए तो कैपिटल गेन होगा और इतना यहां तक इसके लिए पीजीबीपी की इनकम आएगी तो हमें इसको स्प्लिट करना है देखिए आपने इसको कभी ना कभी तो खरीदा होगा ना कब खरीदा था सर ये हमने खरीदा था 5 2 2002 में तो यहां पर आपकी कॉस्ट आई होगी जब आपने इसको खरीदा यहां पर आपकी एक्चुअल सेल आई होगी ठीक है तो कुल फायदा तो आपको ये हुआ सेल माइनस कॉस्ट प्राइस बट इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है ठीक है दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है क्योंकि ये ब्लू लाइन तक तो यहां पर कैपिटल गेन आने वाला है तो इस पॉइंट पर जब ये कन्वर्जन हो रहा है इस पॉइंट पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है आपको इस पॉइंट पर जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो यहां तक फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है और फेयर मार्केट वैल्यू से लेकर यहां तक कॉस्ट तो आपकी कैपिटल गेन आएगी और यहां से लेकर सेलिंग प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस से लेकर फेयर मार्केट वैल्यू तक इतना पोर्शन आपका पी पे इनकम है और इतना पोर्शन आपका कैपिटल गेन है ठीक है तो अगर आपको पी भी निकालना तो कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस दस यहाँ पर क्या है फेयर मार्केट वैल्यू ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक पी भी इनकम और यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम हाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर ये पर्टिकुलर पीरियड ठीक है ये पर्टिकुलर पीरियड आपका ये एसेट लॉन्ग टर्म बना रहा है तो प्लीज कॉस्ट का इंडेक्सेशन भी करिएगा तो दिस माइनस दिस ये आपके कैपिटल गेन की इनकम आएगी और अगर ये पीरियड आपका लॉन्ग टर्म है जैसे यहां पर हो ही रहा है 2019 2002 लॉन्ग टर्म हो रहा है तो आप कॉस्ट की इंडेक्सेशन भी करेंगे ठीक है बट ये दोनों ही गेन आने वाले हैं यहां पर जब ये एक्चुअल सेल होगा कैपिटल गेन भी और पी भी ठीक है तो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है ठीक है आई बिलीव आपको ये काफी हद तक समझ में आ गया होगा ठीक है हाँ बट एक बात ध्यान रखिएगा जब आप यहां पर कैपिटल गेन निकाल रहे हो ठीक है और अगर ये लॉन्ग टर्म आ रहा है तो इसकी तो इंडेक्सेशन करेंगे आप ठीक है बट इंडेक्सेशन के लिए सी आई ऑफ द जैसे न्यूमिनेटर में लेते हैं ना सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर तो क्या आपने 2020 में ट्रांसफर किया था कैपिटल no. सेट ये कब तक था 2019 तक तो आप सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर यहां तक ही लीजिएगा सी आई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ये ले लीजिएगा और कॉस्ट से आप इसको मल्टीप्लाई करके इंडेक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं तो यहां पर आप पॉज भी कर लीजिए इसको बना लीजिएगा मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा अभी बिकॉज़ आपको पता है चार्टर रिवीजन में टाइम लिमिटेड है तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट्स मेनली हम लोग चार्टर रिवीजन कर रहे हैं कि आपके वो पुराने कांसेप्ट जल्दी-जल्दी आप रिवाइज कर सकें ओके okay. ये चार्टर विजन कभी भी, भी रेगुलर क्लास को तो सब्सिट्यूट नहीं कर सकता ठीक है अगर आपने रेगुलर क्लास अच्छे से की हुई है ठीक है किसी किसी से भी मुझसे की है किसी भी दूसरे अच्छे फैकल्टी किसी भी फैकल्टी से की है तो आप आ, के लिए फिर ये चार्टर विजन बेनिफिशियल है इंडेक्सेशन विल बी डन ओनली अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन याद रखिएगा ठीक है ओके okay. 45 फाइव वन कर लिया इंश्योरेंस क्लेम का क्या इंपॉर्टेंट बात थी इंश्योरेंस क्लेम में फोर्टी फाइव वन ए में इंपॉर्टेंट बात थी कि हम कैपिटल गेन निकालते हैं जब एक्चुअली हमारा इंश्योरेंस क्लेम पैसे मिले फोर्टी फाइव टू में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड फोर्टी फाइव टू ए फोर्टी फाइव टू ए बहुत सिंपल है अगर आपके पास शेयर्स हैं डी फॉर्म में और ज्यादातर आप आपके पास सिक्योरिटीज डी फॉर्म में रखी होती हैं तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे देखते हैं क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्योंकि पहले तो क्या होता था पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे तो आपको पता था कि आप कौन सा शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल सकते थे बट नाउ देर इज नो शेयर सर्टिफिकेट्स फिजिकल सर्टिफिकेट्स तो अब होते नहीं है आप तो आपके पास शेयर्स डी फॉर्म में रखे होते हैं तो ये नहीं पता चलता कि आपने कौन से शेयर्स बेचे हैं तो फोर्टी फाइव टू ए ने बहुत सिंपल तरीका निकाल दिया कि हम आपको मानेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो बेसिस पर मानेंगे ठीक है क्योंकि लोग तो अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे उनको तो जैसा फायदा लगेगा लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म मानेंगे शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म को मान लेंगे क्योंकि उनको जैसा फायदा लगेगा तो लॉ ने बहुत अच्छे से इसको कर दिया ये हम असेसी आपके फायदे के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे जो जो भी आपके first in, first तो जो आपके फर्स्ट फर्स्ट आउट वाले शेयर्स हैं तो पहले पास आए थे हम मानेंगे आपने उसी जुलते है कि अगर आपके पास एक कैपिटल असेट है ठीक है आपके पास एक कैपिटल असेट है और ये कैपिटल असेट आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर देते हो एज अ कैपिटल आप वहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हो यानी कि एक पर्सन एक पार्टनर partner, अपनी पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर दे या अपनी फर्म को ट्रांसफर करे या एओपी या बीओआई को ट्रांसफर करे तो उस केस में भी कैपिटल गेन आएगा बट क्योंकि उसने ट्रांसफर कर दिया बट उसको एक्चुअली फर्म ने पैसे नहीं दिए उसने तो एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम जितना भी बुक बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है कि आपकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी इस एसेट्स के लिए तो वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी वो आपका डीम्ड सेलिंग प्राइस माना जाएगा तो जितना भी फर्म की बुक्स में ये रिकॉर्ड होता है ठीक है दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कोई भी एक पर्सन कोई भी एक व्यक्ति कोई भी इंडिविजुअल अपनी पार्टनरशिप फर्म को अगर अपना सेट ट्रांसफर कर देता है फर्म को करे या फिर एओपी बी ओआई को करे आपको पता है एओपी बीवाई का नेचर भी सेम होता है फर्म के लिए हम क्या देखते हैं एओपी बी आई में क्या है सर दो या दो से ज्यादा मेंबर्स है फर्म में भी क्या दो से दो, दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स हैं फर्म हम इनकम टैक्स में एक्ट में पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं इफ द डीड इज रजिस्टर्ड डीड ठीक है आपके पास एक पार्टनरशिप डीड हो ऑल दो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि डीड ओरल और रिटर्न कुछ भी हो सकती है बट इनकम टैक्स कहता है कि आप पार्टनरशिप फर्म तभी हैं अगर आपके पास एक रिटर्न पार्टनरशिप डीड है प्लस सिर्फ रिटर्न से भी काम नहीं चलेगा इट मस्ट बी रजिस्टर्ड वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो तब हम आपको पार्टनरशिप फॉर्म मानते हैं और अगर आपके पास डीड नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में अगर ओरल है आप बोलेंगे बोलेगे पार्टनरशिप एक्ट में तो लिखा था अरे बस पार्टनरशिप एक्ट नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट कर रहे हैं तो अगर आपके पास एक पार्टनरशिप डीड नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम आपको तो एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानेंगे तो दोनों का नेचर तो सेम होता बस है बस पार्टनरशिप डीड का फर्क है तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिविजुअल ने अपने पार्टनरशिप फर्म को या अपने या को किया, तो जितना भी बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है, है, है? यह बिल्कुल अपोजिट है जब एक फर्म या एओपी या बीओआई डिसॉल्व हो जाती है तो वो अपने पार्टनर्स को असिट्स ट्रांसफर कर देती हैं ठीक है तो उस केस में भी कैपिटल गेन आएगा ट्रांसफर कौन है फर्म ठीक है फर्म के हाथों तो में कैपिटल गेन आएगा सर फायदा तो पार्टनर्स का हुआ है ठीक है क्योंकि फा... पार्टनर्स को एसेट्स मिले हैं तो कैपिटल गेन तो पार्टनर्स के हाथों में आना चाहिए अरे फर्म और पार्टनर एक ही तो बात है ना ठीक है वो तो सेपरेट तो है नहीं फर्म के ऊपर टैक्स लगा तो अल्टीमेटली किसके ऊपर टैक्स लगा इनडायरेक्टली पार्टनर्स के ऊपर ही टैक्स लगा ठीक है तो अगर फर्म अगर अपने पार्टनर्स को ट्रांसफर करती है कोई भी अपना कैपिटल एसेट तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस समय जिस समय ये ट्रांसफर किया गया ठीक है याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंटी और फोर्टी फोर तो जो आपकी मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो आपका कैपिटल गिनाने वाला है एंड इट विल बी टेक्सिबल इन देंड ऑफ फर्म एओपी एज एस देश में ठीक है फोर्टी फाइव फाइव अगेन फेवरेट रहता है एग्जामिनर का कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट क्योंकि जब हम लोग ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ट्रांसफर में होता है कि अगर आप वॉल्ट्री अपना कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो भी सेल करेंगे तो भी वो क्या ट्रांसफर बनाना चाहेगा इनकेस अगर वो आप वॉलंट्री नहीं बेचते हैं कंपलसरी बेचना पड़ता है आपको दैट इज कंपलसरी एक्विजिशन ठीक कंपलसरी एक्विजिशन यू ऑल अंडरस्टैंड ठीक है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कोई रोड uh, बनानी थी या कोई फ्लाई ओवर या हाईवे कुछ भी बनाना था वहां पर एक्सप्रेस बनाना था और लेट्स ठीक है किसी एस का किसी भी व्यक्ति का वहां पर बीच में लैंड आ रहा है या बिल्डिंग उसकी आ रही है तो उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट उसको पैसे देती है कंपनसेशन देती है एक तरीके से वो उसने अपना सेट गवर्नमेंट को बेच दिया हाँ बट कम्पल्सरी उसको बेचना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्वायर करेगी कंपल्सरी उस केस में तो बट कैपिटल गेन तो आएगा ना बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग यू कंपनसेशन तो कैपिटल गेन हम किस ईयर में टेक्सीबल करेंगे तो यहां पर वो स्पेशल बास बात इतनी है कि जिस साल आपको कंपनसेशन फर्स्ट टाइम मिलेगी जिस साल आपको कंपनसेशन मिलेगी उस साल हम आपका कैपिटल गेन बना देंगे और जितना भी कंपनसेशन आपको गवर्नमेंट से मिल रही है ठीक है जो भी ओरिजिनल कंपनसेशन डिसाइड हुई हो सकता है कि अभी आपको पूरी ना मिले हो सकता है फिफ्टी परसेंट मिले सिक्सटी परसेंट मिले बट जिस साल आपको फर्स्ट टाइम मिलेगी वेदर इट इज फुल और पार्शल उस साल हम आपका कैपिटल गेन बना देंगे और फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन कितनी लेंगे जिस सर जितना भी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट मिला है नहीं पूरा जितना भी आपका कंपनसेशन डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट ने दैट वुड बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ठीक है बट हम टेक्सीबल कर, कब करेंगे जब आपको कंपनसेशन फर्स्ट टाइम रिसीव होती है तो कैपिटल गेन विल टेक्सीबल इन द व्हेन द कंपनसेशन इज फर्स्ट रिसीव पहली बार जब मिलेगी हो सकता है वो फुल ना मिले पार्शल मिले बट कोई बात नहीं गवर्नमेंट ने जैसे कहा कि हम आपको इस घर के पचास लाख दे देंगे ठीक है बट अगर अभी उन्होंने 40 लाख दिए हैं उन्होंने 10 लाख का कि अभी दो तीन महीने के बाद मिल जाएंगे तो जिस दिन भी आपको ये पैसे मिल जाएंगे उस साल ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा और किस अमाउंट के हिसाब से 40 लाख के हिसाब से या 50 लाख के 50 लाख के जो भी ओरिजिनल कंपनसेशन डिसाइड हुआ है सर वो दस लाख अभी मिले नहीं कोई बात नहीं मिल जाएंगे ना ठीक है सर अगर नहीं मिले तो अरे क्यों नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट से मिल तो रहे हैं आपको पैसे अगर नहीं मिलेंगे बाद में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं आपके 40 लाख है फिर आपकी रिकम्पटेशन भी हो जाती है बट जनरली ऐसा नहीं होता है कंपनसेशन गवर्नमेंट जनरली अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो एक साथ दे देती है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है जो अमाउंट ऑफ कंपनेशन डिसाइड हुआ है इंपॉर्टेंट बात इन्हांस्ड कंपनसेशन इन्हेंस कंपनसेशन क्या होती है फॉर एग्जाम्पल अगर एस एस सी को कंपनसेशन मिली फिर बाद में उसको लगा अरे यार मुझे तो कंपनसेशन कम मिली है और वो केस कर देता है मुझे तो ज्यादा कंपनसेशन मिलनी चाहिए तो जब उसको इन केस अगर वो केस जीत जाता है और उसको कंपनसेशन मिल मिलती है तो उस साल हम कैपिटल गेन दोबारा से लगा देंगे ठीक है तो जितना भी इन्हांस कंपनसेशन मिली है उस साल वो कैपिटल गेन आ जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समय एक बार और आ जाएगा कैपिटल गेन जितनी आपको एक्स्ट्रा कंपनेशन इंक्रीज्ड इंक्रीज वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी कॉस्ट क्या होगी कॉस्ट कुछ नहीं होगी तो आप पहले से कर चुके थे जितना भी आपका फॉर एग्जाम्पल लैंड या बिल्डिंग थी वो तो आप जब आपकी ओरिजिनल

फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जितना भी आपको इनहैस्ड कंपनसेशन मिली वो आपका दोबारा से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली होगी ऑन ट्रांसफर ले सकते हैं अगर आपको लीगल एक्सपेंसिस वगैरह हुए हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा ठीक है सर अगर कोई कंपनसेशन लेट मिलती है और लेट मिलने की वजह से ठीक है उसके ऊपर गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट भी दे देती है तो क्या वो इंटरेस्ट भी कैपिटल गेन होता है द आंसर इज नो वो आपको इंटरेस्ट क्यों मिला बिकॉज ऑफ डिलेड कंपनसेशन You are this. वो कंपनशन आपको लेट मिली रीजन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इंटरेस्ट इज नॉट कैपिटल फिफ्टी सिक्स में पढ़ते हैं ठीक है लिखा हुआ है वो बातें कि अगर आपको कोई कंपनशन डिलेड मिलती है तो उसके ऊपर जो इनकम टेक्सीबल होगी दैट वुड बी आई एफ ओ एस और हम आई एफ ओ एस में ये भी पढ़ते हैं कि ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर

अगर किसी की ओरिजिनल कंपनसेशन रिड्यूस हो जाती है ठीक है गवर्नमेंट ने कहा अरे हमने आपको ज़्यादा कंपनसेशन दे दी हम आपकी कंपनसेशन को रिड्यूस कर रहे हैं तो इन केस गवर्नमेंट ने आपकी कंपनसेशन रिड्यूस कर ली आपको वापस पैसे करने पड़े हैं तो आप क्या बोलेंगे अरे सर मैंने तो टैक्स ओरिजिनल के हिसाब से दिया और अब आपने रिड्यूस कर दिया जनरली नहीं होता है बट इन केस अगर रिड्यूस हो गया तो हम क्या करेंगे तो जितना भी हमने पहले टैक्स दिया था वो अकॉर्डिंगली अब रिकम्प्यूट किया जाएगा कि आपका कितना टैक्स बनता था और ऑब्वियसली आपको रिफंड मिल जाएगा टैक्स का ठीक है इन केस ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन इज रिड्यूज तो उस केस में ठीक है अंडरलाइन कीजिएगा रिड्यूस्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर ये आप कंपनसेशन रिड्यूज हो गई है हो गई है तो उसको रिकम्प्यूट किया जाएगा पुराने आपने जितना भी कैपिटल गेन आपने निकाला था रिकम्प्यूट कीजिए रिफंड ले लीजिए अच्छा मुझे बताइए रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपल्सरी एक्वायर हो जाए तो कोई बात नहीं रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर तो कैपिटल गेन आता नहीं हम वॉलंट्री बेचें तो भी कैपिटल गेन नहीं आएगा कंपल्सरी बेचना पड़ा कंपल्सरी एक्विजिशन तो भी कैपिटल गेन नहीं आएगा बट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उसके ऊपर तो कैपिटल गेन आता है बिकॉज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल एसेट बट अगर कोई व्यक्ति इफ देर इज एनी हु इज सेलिंग हिज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वॉलंट्री तो कैपिटल गेन आएगा बट इनकेस अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर हो रहा हो तो उस केस में सेक्शन टेन थर्टी सेवन ने बोल दिया है एग्जेप कर देंगे सेक्शन टेन सेक्शन टेन ही याद रखिएगा सेक्शन टेन एक्जन का था वहां पर लिखा हुआ है कि अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड देखो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल हो रहा हो इनकेस में हम उसको एक्सेंट कर देंगे कैपिटल गेन विल बी एग्जेम इन केस कंपल्सरी एक्विजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कौन सा एग्रीकैंड ऑफकोर्स अर्बन रूरल में तो एक्जेंट करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट अ कैपिटल असेट ओके एक और सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव है में ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ठीक है जे डी ए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या कंसेप्ट था ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एसएससी के पास आ, कोई लैंड है या फिर कोई पुराना घर बना हुआ था उसको वो बनाना चाहता है बट फॉर एग्जाम्पल उसका पैसे नहीं है इस समय बनाने के लिए तो आजकल बिल्डर्स क्या बोलते हैं बिल्डर्स कहते हैं कि एक काम कीजिए आप ही अपना लैंड या आपका ये पुराना जित जो घर है ये आप हमें दीजिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है हम इसके ऊपर चार पांच यूनिट्स बना देंगे उसमें से एक दो यूनिट्स हम आपको दे देंगे ठीक है कुछ पैसे भी दे देंगे आपको बाकी की यूनिट्स हम रख लेंगे ठीक है ये होता है जॉइंट डेवलपमेंट जॉइंट डेवलपमेंट ठीक है लैंड आपका लैंड ओनर लैंड आपका ठीक है और इसको कंस्ट्रक्ट हम करेंगे जॉइंटली हम इसको मिलकर डेवलप करेंगे आप लैंड हमें दे दीजिए हम आपको वापस फॉर इसमें से अगर चार फ्लैट्स बनाएंगे तो दो फ्लैट्स आपके ठीक है प्लस कुछ आपको पैसे भी दे देंगे तो क्या उस केस में भी कैपिटल गेन आएगा आंसर इज यस बिकॉज लैंड ओनर ने अपना लैंड ट्रांसफर कर दिया या अपना पुराना घर ट्रांसफर कर दिया तो उस केस में भी कैपिटल गेन आएगा तो यहां पर एक इंडिविजुअल और एच के लिए एक

तो क्या हम उसका कैपिटल गेन उसी साल अराइज कर देंगे जिस साल उसने ट्रांसफर किया है द आंसर इज नो यहाँ पर फोर्टी फाइव फाइव साफ बोल दिया कि जिस साल इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जिस साल इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होता है बिल्डिंग का उस साल हम कैपिटल गेन अराइज करेंगे तो यहां पर एक रिलैक्सेशन दे दिया गया कि जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक हम इसका हम कैपिटल गेन अराइज नहीं करेंगे जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट uh, मिला ठीक है होल ऑफ द प्रोजेक्ट या पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट उस साल हम इसका कैपिटल गेन अराइज कर देंगे ठीक है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन क्या मानेंगे इंपॉर्टेंट है जितना भी उसने हमें फॉर एक्जाम्पल उसने हमें दो फ्लैट्स दे दिए तो दो फ्लैट्स की जो स्टेंप वैल्यू है दैट इज फुल वैल्यू ऑफ दो फ्लैट दे दिए कुछ पैसे दे दिए तो, तो टोटल कीजिएगा बिल्डर जित यानी कि जितना भी बिल्डर की तरफ से मिल रहा है आपको पैसे मिल रहे हैं प्लस आपको अगर फ्लैट्स मिल रहे हैं तो उसकी स्टैंप वैल्यू ले लेंगे ठीक है दैट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ठीक है और इंडेक्सेशन कब तक का करेंगे इंडेक्सेशन तो आपने जब ट्रांसफर किया था तभी का करेंगे ठीक है कंपिटिशन सर्टिफिकेट तक का क्या नहीं जब आपने ट्रांसफर किया तब तक का इंडेक्सेशन होगा तो अगेन फोर्टी फाइव फाइव है यहां पर हमारे 45 के सारे सब पूरे होते हैं। 46. और यहां पर भी आई है क्योंकि अब डिविडेंड आपको पता है डिविडेंड इज टेक्सिबल नाउ इन हैंड्स ऑफ कंपनी सीडी टी देती है नहीं अब डिविडेंड इज टेक्सिबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर आई एफ ओ एस बनता है ओके सेक्शन फोर्टी सिक्स शुरू करें सेक्शन 46 कहता है कि इन केस अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेड होती है कोई भी कंपनी लिक्विडेड होती है तो अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है कि ठीक है शेयर होल्डर्स अब आप अपने शेयर्स को सरेंडर कीजिए और हम आपको जो भी हमारे पास पैसे बचे हैं जो भी असेट्स बचे हैं वो हम आपको दे रहे हैं तो प्लीज बताइए कैपिटल गेन किसके हाथों तो में राइज होगा शेयर होल्डर के हाथों तो में क्यों शेयर होल्डर अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है पक्का

अगर उस समय कंपनी के पास कुछ एक्यूमलेटेड प्रॉफिट्स पड़े थे उस समय कंपनी के पास कुछ एक्यूमिलटेड प्रॉफिट्स पड़े थे रिजर्व्स पड़े थे जनरल रिजर्व पड़े थे फ्री रिजर्व्स पड़े थे ठीक है एक्यूमेट प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट तो उतना भी अगर कंपनी ने पैसे दिए तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ डीम डिविडेंट वो हम डीम डिविडेंड मानते हैं ठीक है आपको डीम डिविडेंट याद है सेक्शन टू ट्वेंटी टू में हम डीम डिविडेंट करते हैं और स्पेसिफिकली अगर मैं बातें करता हूं तो टू ट्वेंटी टू सी में ऐसा बातें लिखी है टू ट्वेंटी टू ए बी सी डी ई पांच होते हैं ना डीम डिविडेंट के

अब किसको इनकम देनी किसको टैक्स देना पड़ेगा शेयर होल्डर को यानी कि आज अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेड होती है तो शेयर होल्डर के ऊपर दो टैक्स आएंगे ठीक है दो तरह की इनकम बनेगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूएट प्रॉफिट बनेगी उसकी डिविडेंड इनकम और बाकी के पैसे जो उसको मिल रहे हैं वो उसको शेयर्स के पैसे मिले हैं ठीक है याद आ गया फोर्टी सिक्स काफी अच्छा खासा बड़ा सेक्शन होता है जो हम डिस्कस करते हैं अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से शॉर्ट में बता दिया है ठीक है सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं, बट आपको याद आ गया होगा ठीक है

फोर्टी सिक्स से होता है बायबैक ऑफ शेयर्स बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी खुद कहती है कि आपसे कि आप अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकते हैं तो इसमें भी आप शेयर्स बेच रहे हैं किसके हाथों तो में कैपिटल गेन आएगा ऑब्वियसली शेयर होल्डर के हाथों तो में कैपिटल गेन आएगा ठीक है तो शेयर होल्डर के हाथों तो में कैपिटल गेन आता है बट यहां पर एक्सेप्शन देखिएगा प्लीज सबसे पहले बाय बैक क्योंकि फोर्टी सिक्स से ये कहता है बाय बैक ऑफ शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज तो फॉर एग्जाम्पल अदर देन शेयर्स अगर आप बाय बैक कर रहे हैं तो फिर तो शेयर होल्डर के हाथों में कैपिटल गेन आएगा कितना पैसा किस हिसाब से आएगा जितना कंपनी पैसे आपको पे कर रही है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने में आपने वो सिक्योरिटीज खरीदी थी दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन ठीक है बट अगर शेयर्स का बाय बैक हो रहा है देखिए यहां पर मैंने दो पार्ट करे हैं फर्स्ट तो बाय बैक ध्यान दीजिएगा बाय बैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को अलग लिया है बाय बैक ऑफ शेयर्स को अलग लिया है शेयर्स अलग हैं और आप प्लीज ध्यान दीजिए कि चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो पहले सिर्फ ये लिस्टेड के लिए थे ऐसे प्रोविजन बट अब अनलिस्टेड के लिए भी आ गए हैं अगर शेयर्स का बाय बैक हो रहा है तो हम यहां पर कैपिटल गेन शेयर होल्डर के हाथों में एक्जिम्ट कर देते हैं यहां पर हम कंपनी के ऊपर ही टैक्स लगा देते हैं और टैक्स का रेट क्या है ट्वेंटी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट सर्च प्लस फोर परसेंट सेस यहां पर जो भी कैपिटल गेन आता है वो टैक्स देना पड़ता है कंपनी को ना कि शेयर होल्डर को तो प्लीज शेयर्स के बारे में कंपनी के हाथों तो में टैक्स लगाइएगा यह बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है बात थोड़ी है ओके फोर्टी फाइव खत्म हुआ फोर्टी सिक्स खत्म हुआ मेन सेक्शन खत्म हुए फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन इज अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फोर्टी सेवन में हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज देखते हैं देर आर सर्टन एक्टिविटीजन ट्रांजेक्शन जो हमें लगता है कि ट्रांसफर हो रहा है बट हम इसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं हमें लगता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जा रही है चीजें बट यहां पर हमने इसको ट्रांसफर नहीं माना गया जैसे फॉर एग्जाम्पल एच के पास एच के पास असेट्स थे और एच अपना बंटवारा कर देती है पार्टीशन कर देती है वेदर फुल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन और वो अपने मेंबर्स को असेट्स दे देती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक एच में फॉर एग्जाम्पल पांच बेटे थे और पांचों को अपने असेट्स दे दिए गए ठीक है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो पहले ओरिजिनल होल्डर कौन थे असेट्स का एच यू एफ नाव अब वो मेंबर्स उसके होल्डर हैं तो ट्रांसफर तो हो रहा है HUF के के हाथों हाथों से मेंबर्स में में चला गया बट हम हम ऐसी को कैपिटल गेन नहीं कंसिडर करते इसको ट्रांसफर नहीं माना चाहता ठीक है तो कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और अगर ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा ऐसी केसेस में तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन यहां पे डिस्कस किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्टी पार्शियल पार्टीशन ऑफ एच अगर एच का ट्रांसफर का पार्टीशन हो रहा हो वेदर फुल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन फॉर एग्जाम्पल सभी मेंबर्स को अलग अलग कर रहे हैं ठीक है सबका कंप्लीट पार्टीशन कर रहे हैं या फिर एक बेटा कहता है कि मुझे अलग होना बाकी बेटे कहते हैं हमें अलग नहीं होना तो एक बेटे को अपना हिस्सा दे के दे रहे हैं तो उस केस में कोई कैपिटल की नाराइज मत कीजिएगा और यहां पर मैं जो बातें कर रहा था मंजुला जेसा वाला केस लगा सकते हैं आप ठीक है तो डेनोमिटर में लिखते थे ना ऑफ 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 द द ईयर ईयर पर आप का ले सकते हैं अगर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस या इरिवोकेबल ट्रस्ट अगर आप फॉर एक्जाम्पल मैंने जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था मिस्टर ए ने अपनी बेटी को असेट गिफ्ट कर दिया कैपिटल एसेट को ठीक है या उसके नाम करा दिया विल करा दिए उस केस में भी कैपिटल गेन नहीं आता ट्रांसफर ऑफ और आपको पता है जो रिसीवर है उसके हाथों में आई की इनकम आ जाती है बट अगर रिसीवर रिलेटिव है तो एग्जेम्ट हो जाती है और प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट आ जाएंगे बट अगर रिसीवर आ, रिलेटेड नहीं है तो रिसीवर के हाथों में हम आई एफ की इनकम बनाते हैं वो हम आई एफ में डिस्कस करेंगे ठीक है और अगर इनकम बन गई तो उस समय फिर प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट नहीं आते हैं ठीक है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिड्री कंपनी को कर दे सब्सिड्री कंपनी कौन होती है फिफ्टी वन परसेंट से ज़्यादा के अगर हमारे पास शेयर्स हैं मोर देन फिफ्टी परसेंट ठीक है मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर हैं बट और भी कंसेप्ट होते हैं बट मेनली मोर देन फिफ्टी परसेंट कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना तीन चीज़ों से आप लोग सब होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं खैर आई एम नॉट गोइंग इन दैट लॉ अभी ठीक है इनकम टैक्स ही ठीक है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स हंड्रेड परसेंट सब्सिडी यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि वो आपकी हंड्रेड परसेंट सब्सिडी होनी चाहिए और जो रिसीवर है वो एक इंडियन कंपनी हो ठीक है हंड्रेड परसेंट इंडियन कंपनी होनी चाहिए या वाइस वर्सा ठीक है सब्सिडरी कंपनी अपनी हंड्रेड परसेंट होल्डिंग कंपनी को करे और होल्डिंग कंपनी जो रिसीवर है इट शुड बी एन इंडियन कंपनी तो हम कैपिटल गेन नहीं मानते ट्रांसफर बाय इशू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर का डीमर्जर हो रहा है पहले एक कंपनी थी उसने अपने कुछ एक पार्ट को अलग कर दिया और उसका असेट्स को उसको दे दिया तो उस केस में भी कोई कैपिटल गेन तो हुआ नहीं है उसने एक तरीके से अपना पार्टीशन कर दिया तो यहाँ पर भी हम कैपिटल गेन नहीं लगाते हैं इसी तरीके से अगर अमेल होता है फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी मर्ज हो जाती हैं ठीक है दो कंपनी मर्ज हो जाती हैं और एक सिंगल कंपनी बन जाती हैं तो उस केस में भी पहले अलग अलग कंपनी के पास असेट्स है ना देर सिंगल कंपनी तो हम उस केस में भी मानते हैं कि कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से अमलगमेशन का केस था पुरानी कंपनी को हम कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटिंग नई कंपनी को हम कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी तो फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं तो पहले फॉर एग्जांपल Myntra थी अब Myntra अमलगमेट हो गई इनटू Flipkart तो लेट्स से मिंत्रा के जो शेयर होल्डर्स थे पहले पुराने बिफोर अमल जो मिंत्रा के शेयर होल्डर्स थे ठीक है मिंत्रा के शेयर होल्डर्स थे उनके पास मिंत्रा के शेयर्स होंगे ठीक है बाद में कंपनी अमल गमेट हुई और उनको बोला गया कि हम आपको फ्लिपकार्ट के शेयर्स दे रहे हैं ठीक है आपको फ्लिपकार्ट के शेयर्स दे रहे हैं तो उस समय भी जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास पहले अमल गमेटिंग मतलब ओल्ड कंपनी के शेयर्स थे अब इनको नई कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं उस समय भी हम कैपिटल गेन नहीं राइज करते हैं हां जब ये अपने शेयर्स बेचेंगे जब ये अपने शेयर्स बेचेंगे उस समय कैपिटल गेन आएगा और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने का बेचा कॉस्ट कितनी जो आपकी पुरानी कंपनी में जब आपने पैसे खर्च किए थे उसकी कॉस्ट ली जाएगी और होल्डिंग पीरियड भी पुराना ही देखा जाता है ठीक है तो ये बातें यहां पर लिखी हुई हैं शेयर्स के बारे में डिस्कस कर ली है डिबेंचर्स को आपने कन्वर्ट कर लिया जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं डिबेंचर्स को अगर शेयर्स में कन्वर्ट हुआ तो अगेन ट्रांसफर तो आ जाता है कि कन्वर्जन हो गया बट इसको हम ट्रांस ऐसी ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानते हैं ट्रांसफर ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आउटसाइड इंडिया ठीक है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को हम कॉमनली जानते हैं मसाला बॉन्ड्स के नाम से ठीक है याद आता कोई मसाला बॉन्ड्स तो अगर हमने ये हम आउटसाइड इंडिया इशू करते हैं तो एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेचे तो हम इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे ठीक है रिडम्पन ऑफ सवन गोल्ड बॉन्ड्स को आरबीआई ने बोला आरबीआई इस तरह के बॉन्ड्स इशू करना चाहती थी उन्होंने कहा जब हमको रिडम्पन करेंगे तब भी हम आपका कैपिटल गेन नहीं लाएंगे दिस इज इंपॉर्टेंट अगर आपके पास पेंटिंग्स ड्रॉइंग आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो एनी वर्क ऑफ आर्ट हो अगर आप इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा बट अगर आप इसको बेचेंगे गवर्नमेंट को ठीक है यूनिवर्सिटी को नेशनल म्यूजियम को नेशनल आर्काइव को ठीक है इन लोगों को बेचेंगे तब आपका कैपिटल गेन नहीं आता है और लास्ट है ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ रिवर्स मॉर्गेज रिवर्स मॉर्गेज कौन बूढ़े माँ बाप थे उनके पास एक घर था उन्होंने बैंक को दिया याद आ गया तो उस केस में भी कैपिटल गेन नहीं आएगा ओके फोर्टी सेवन के बाद हमने फोर्टी एट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फोर्टी एट क्या था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ठीक है 49 सिंपल था 49 है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कुछ केसेस में हम वहां पे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले सकते हैं जैसे मैंने मंजुला जयशाल शाह वाला केस को मैंने कंसिडर किया था फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लेते हैं ग्रैंड फादर ने फादर को गिफ्ट किया फादर ने बेटे को गिफ्ट कर दिया और बेटा इसको बाद में बेच रहा है तो कॉस्ट किसकी ली जा सकती है ग्रैंड uh, फादर की कॉस्ट ली जा सकती है सेक्शन फिफ्टी कैपिटल गेन इन केस ऑफ एसेट अगर बेच रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा था ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि एक बिजनेस एक फैक्ट्री है उनके पास मशीन हैं तो मशीन उनके लिए क्या है स्टॉक इन ट्रेड नहीं है वो मशीन भी नहीं बेचते मशीन से तो वो कपड़ा बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल तो कपड़ा उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है बट फॉर एक्जाम्पल अगर वो अपनी मशीन ही बेचते तो क्या कैपिटल गेन आएगा आंसर इज यस बिकॉज वो कैपिटल असेट है क्योंकि एनी टाइप ऑफ सर वो मूवेबल है अरे बिजनेस के तो सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं ना

ब्लॉक में से कोई एक मशीन बेच दी तो हम क्या मानते हैं कि ब्लॉक का पार्ट बिका है ठीक है ब्लॉक का पार्ट बिका है तो हम ब्लॉक की वैल्यू को रिड्यूस कर देते और बाकी वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे तो कोई कैपिटल गेन नहीं आता था अनलेस एंड एंटिल अगर आपने पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया अगर पूरा ब्लॉक बेच दिया तो कैपिटल गेन आ सकता है या फिर अगर आपने पार्सल ब्लॉक बेचा

के असेट्स आप जिसके ऊपर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे थे ठीक है ब्लॉक का पार्ट बेच रहे थे अगर आप ब्लॉक बेचते हैं तो हमेशा शॉर्ट टर्म आता है क्योंकि हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेते हैं हम इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू एन द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर ले रहे हैं मतलब एक साल ही है ठीक है एक साल से कम है तो इसके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा याद रखिए जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट जाता है उस पर हमेशा शॉर्ट टर्म आता है हो सकता है ये मशीन आपकी चार साल पाँच साल छः साल पुरानी थी बट तो आपको पता है कि जब वो मशीन बिकती है तो ऐसा मानते हैं कि ब्लॉक बिक रहा हो और ब्लॉक की जो कॉस्ट लेते हैं वो भी हमने क्या ली ओपनिंग डब्ल्यू ओपनिंग ऑफ द ईयर जिस साल आपने बेचा उस साल की ओपनिंग डब्ल्यू तो आपके लिए हमेशा ये शॉर्ट टर्म ही रहता है ठीक है बट अगर आप अपने इंडिव्यूजल असेट्स बेचते हैं जिसके ऊपर आप ब्लॉक में नहीं लाते इंडिविजुअल इंडिव्यूजल जैसे कि पावर जनरेटिंग यूनिट्स के असेट्स आपने बेच बेचे हैं ठीक है जिसके ऊपर आप एस एल एम बेसिस पर इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल जो असेट्स आप इंडिविजुअली रखते थे लेट्स से साइंटिफिक रिसर्च का अट अगर आपने बेचा तो क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के असेट के ऊपर आप हंड्रेड परसेंट डिडक्शन लेते थे ठीक है उसको आप डेप्रिसिएशन में नहीं ले जाते थे अलग से रखते थे तो अगर आप ऐसे असेट्स बेचेंगे तो क्या कैपिटल गेन आ सकता है आ सकता है अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा के बिक रहे हो आपको नंबर लाइन याद है यह

प्रॉफिट पीजीबी का प्रॉफिट मानते हैं सेक्शन 41 वन डी बिजनेस प्रॉफिट और ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर जब बिकता है तो कैपिटल गेन आता है तो ये कैपिटल गेन आता है सेक्शन 50 कैपिटल ए ए का सर ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा कुछ भी हो सकता है डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड के ऊपर ठीक है जैसे मान लेते तीन साल इसका वाला होल्डिंग पीरियड अगर इसके ऊपर लग रहा है तो अगर ये आपने तीन साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म आएगा और फिर ओरिजिनल कॉस्ट की इंडेक्सेशन भी होगी लेट से फॉर एक्साम्पल ओरिजिनल कॉस्ट दस लाख और आपने इसको बेच दिया फॉर रुपीज लाख तो ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर कितना बेच रहा है दैट इज़ एटीन माइनस टेन दैट इज एट लाख वुड बी कैपिटल गेन बट प्लीज़ ये देख लीजिएगा अगर ये पीरियड जब आपने बेचा था इट इज़ मोर देन टू ईयर्स या थ्री ईयर्स एज द केस में भी तो लॉन्ग टर्म आएगा तो एटीन माइनस टेन डायरेक्ट मत खींचेगा टेन लाख को इंडेक्सेशन भी खींचेगा यानी कि फिफ्टी ए में कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी आ सकता है और लॉन्ग टर्म भी आ सकता है ठीक है फिफ्टी में तो जब डेप्रिशिएबल जो डब्ल्यू मेथड से आप बेचते हैं ब्लॉक का पार्ट बेचते हैं तो इट विल ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म बट जब आप इंडिविजुअल असेट्स बेचेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है लॉन्ग टर्म हो तो प्लीज ओरिजिनल कॉस्ट का इंडेक्सेशन कर लीजिएगा ठीक है ओके फिफ्टी बी स्लम सेल अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन स्लम सेल क्या होता है कि जब हम अपने टोटल अंडरटेकिंग या पार्ट ऑफ द बिजनेस पूरा का पूरा बेच देते हैं विद असेट्स वेरियस असेट्स असेट्स भी ट्रांसफर कर दिए लाइब्रेटीज भी ट्रांसफर कर दी तो अगर हम अपनी पूरी पूरी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर देते हैं या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग एक डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया किसी पर्टिकुलर यूनिट को बेच दिया है तो दैट विल रिजल्ट इन स्लम सेल फिर वो स्लम सेल हम लोग कहते हैं यानी कि टोटल हमने लमसम में चीजें बेच दी हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है जितने में आपने बेचा दैट वुड बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे क्या सभी एसेट्स के हमें अलग अलग कॉस्ट को देखना होगा नहीं यहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे बाय नेटवर्थ फिर हमें नेटवर्थ देखनी होगी ठीक है नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग और प्लीज नेटवर्थ को इंडेक्सेशन मत खींचेगा अगर ये अंडरटेकिंग तीन साल से ज्यादा पुरानी है तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा बट नेटवर्थ को वैसे ही रखिएगा इंडेक्सेशन मत खींचेगा ठीक तो है तो स्लम सेल में इंपॉर्टेंट है इंडेक्सेशन नहीं होता है नेटवर्थ कैसे निकालते हैं जितने भी असेट्स आप जा रहे हैं ठीक है दैट की वैल्यू टोटल माइनस आउटसाइड 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 माइनस माइनस ठीक है मतलब रिजर्व्स वगैरह नहीं कर रहे हैं ठीक है तो नेट असेट निकालने एक तरीके से आपको असेट्स की वैल्यू देख लीजिएगा ठीक है अगर किसी के ऊपर डेप्रिसिएशन ठीक से चार्ज नहीं हुआ था तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आपको चार्ज करना पड़ेगा यानी कि जो है उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू देखनी होगी आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने किसी भी एसेट का एस ने रीवैल्यू करके ठीक है रीवैल्यू किया हुआ था तो प्लीज़ उसको अपनी वापस रीवैल्यू से पहले जो वैल्यू है उसी को कंसिडर कीजिएगा यानी कि किसी भी तरह का रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं है अगर कोई भी वैल्यू रीवैल्यूड है तो प्लीज़ उसको बिफोर रीवैल्यूशन देखिएगा ठीक है लोग क्या करते होंगे वो लोग अपनी टैक्स इवेजन करने के लिए अपनी वैल्यू को अपवर्ड करके दिखा देते हैं जिससे कि नेट एसेट ज़्यादा आ जाए नेट एसेट ज़्यादा मतलब कॉस्ट ज़्यादा एक तरीके से बट बोला गया कि किसी भी तरह का अलाउड नहीं है ठीक है तो स्लम सेल में एक बार पढ़ लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ वैल्यून जितने में बेचा सेलिंग प्राइस दैट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कॉस्ट क्या लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के प्लेस पर क्या लेंगे हम लोग नेटवर्थ ऑफ द एंटिटी नेटवर्थ कैसे निकलेगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज और जब आप नेटवर्थ निकालें तो किसी भी एसेट्स का अगर रिवैल्युएशन किया गया है तो प्लीज उसको रिवैल्युएशन को से पहले आप देखेगा यानी कि रिवेल्युएशन का इफेक्ट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा ठीक है लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा डिपेंड करता है अगर वो तीन साल से ज्यादा पुरानी अंडरटेकिंग है तो लॉन्ग टर्म होगा अदरवाइज शॉर्ट टर्म होगा और इंपॉर्टेंट बात है नेटवर्थ का इंडेक्सेशन मत खींचेगा ठीक है तो यहां पर हम लोग कैसे देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सीओ ए और सीओ आई नहीं देखते हैं इसकी जगह करते हैं नेटवर्थ हाँ अगर कोई ऑन ट्रांसफर है तो उसको माइनस करेंगे आप लोग ठीक है एंड दिस विल रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एज द केस मे बी सो दिस वॉज फिफ्टी बीम सेल और अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम लोग डिस्कस करते हैं रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन के बारे में स्पेसिफिकली हमने इसको पीचीबीपी में भी डिस्कस किया था कि अगर आपका लैंड या बिल्डिंग बेचने का बिजनेस है तो फोर्टी थ्री सी ए वहां पर पी बी में और सेम सेक्शन फिफ्टी सी कैपिटल गेन में भी आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी रियल एस्टेट बेच रहे हैं ठीक है ज अ स्टॉक बेच रहे तो फोर्टी थ्री सी ए लगेगा और दोनों के सेम प्रोविजन होते हैं क्या प्रोविजन होते हैं स्टेम्प वैल्यू से अगर आप कम में बेच रहे हैं यानी कि आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो स्टैंप वैल्यू से भी कम है तो हम बोलेंगे नहीं सर आपको मिनिमम स्टैंप वैल्यू तो लेना ही पड़ेगा तो इसमें डीम्ड सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है स्टैंप वैल्यू हाँ अगर आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही स्टैंप वैल्यू से ज्यादा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है स्टैंप वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए इट शुड बी स्टैंप वैल्यू स्टैंप वैल्यू के बराबर होना चाहिए हाँ बट यहाँ पर क्या एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है पहले होता था कि फाइव परसेंट का डिफरेंस अलाउड था अब वो डिफरेंस टेन परसेंट कर दिया गया तो दिस इज एन अगेन एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसकी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाना चाहिए तो अगर स्टैंप वैल्यू से आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस कम है बट कितना कम है 10% परसेंट तक का वेरिएशन है तो कोई बात नहीं है बट अगर 10% परसेंट से भी ज्यादा वेरिएशन है फिर हम कहेंगे नहीं सर फिर तो आपको स्टैंप वैल्यू ही लेनी पड़ेगी तो याद रखिएगा 110 परसेंट करके देख लीजिएगा सेलिंग प्राइस का कि अगर स्टैंप वैल्यू से अभी भी अगर ये ज़्यादा आ रहा कम कम आ रहा है तो फिर हम बोल देंगे अब तो स्टैम्प वैल्यू लेनी है बट अगर टेन परसेंट तक का वेरिएशन है तो इट्स ओके ठीक है स्टैंप वैल्यू कब की लेनी है जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका तब की आप स्टैंप वैल्यू ले सकते हैं अच्छा क्या पुरानी भी स्टैंप वैल्यू ले सकते हैं बिल्कुल ठीक बात है ऐसी जो हमने फोर्टी थ्री सी भी की थी तो आप पुरानी बैक डेट की भी स्टैम्प वैल्यू ले सकते हैं अगर आपने ये पहले से घर खरीदा था कैसे पता चला था कि लैंड या बिल्डिंग खरीदी थी आपका एक प्रायर डेट का एग्रीमेंट था याद आता है अगर आपका एक प्रायर डेट का एग्रीमेंट था प्लस उसको साथ में सपोर्ट कीजिए कि आपने इसको एग्रीमेंट एक्चुअली किया था और आपने इसके कुछ पैसे पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी अगर आपने पे की थी कैसे ठीक है इट शुड बी बाय अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट ठीक है मतलब एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपने की थी तो हम मानेंगे कि हाँ आपने ये घर पहले से खरीदा था तो स्टैंप वैल्यू आपकी पुरानी एग्रीमेंट डेट की ले सकते हैं याद आ गई आपको ये बात नहीं तो अगर आपने कैश वगैरह में बेर चेक वगैरह से लिया था कंसिडरेशन तो फिर हम नहीं मानेंगे स्टैंप वैल्यू पुरानी फिर तो हम स्टैंप वैल्यू अभी की मानेंगे रजिस्ट्रेशन डेट की बट अगर आपकी पहले से एग्रीमेंट था प्लस आपने कुछ पैसे पे किए थे विच इज बाय थ्रू बैंकिंग मोड अकाउंट पे चेक वगैरह के थ्रू तो हम आपकी पुरानी स्टैंप वैल्यू भी ले सकते हैं ठीक है फिफ्टी सी में ठीक सर कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्टेंप वैल्यू ज्यादा है बट हमारी एक्चुअल प्राइस कम है तो हम स्टैंप वैल्यू लेंगे बट अगर असेसी रिक्वेस्ट करता है नहीं सर एक्चुअली वहां की फेयर मार्केट वैल्यू कम है स्टेंप वैल्यू ज्यादा है बट वहां की मार्केट वैल्यू कम है सर वो एरिया में काफी ज्यादा क्रिमिनल केसेस होने लगे हैं सर वहां पे आसपास कोई वाइन शॉप खुल गई है तो उस जगह वो जगह कभी अच्छी हुआ करती थी बट आजकल वहां पर रहने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मुझे इसको स्टेम्प वैल्यू से भी कम का बेचना पड़ा है आप प्लीज चाहें तो अपने वैल्यूशन ऑफिसर को भेज दीजिए वहां पर वो चेक करके बता भी देगा आपको तो अगर ऐसे ही रिक्वेस्ट करता है कि सर वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करा दीजिए और वैल्यूएशन ऑफिसर एक वैल्यू लेकर आता है जो कि वैल्यू से कम है तो हम फिर वो वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं बट अगर वैल्यूशन ऑफिसर ज्यादा वैल्यू ले आए उल्टा तो फिर हम बोलेंगे सर थैंक यू प्लीज वैल्यूएशन ऑफिसर को साइड में रखिएगा याद आ गई आपको ये सारी बातें तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकते हैं और अगर वैल्यूशन ऑफिसर एक वैल्यू कम लेकर आता है स्टेंप वैल्यू से तो ठीक है हम वो वैल्यू कंसिडर कर लेंगे वैल्यूशन ऑफिसर वाली वैल्यू अदरवाइज तो हम आपकी स्टेंप वैल्यू ही लेंगे ठीक है ओके सेक्शन फिफ्टी सी ए अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बेचते हैं अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बेचते हैं तो अनिस्टेड फेयर मार्केट वैल्यू से कम में मत बेचेगा अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेचे गए तो तो हमने फुल वैल्यू वैल्यू ऑफ क्या लेनी है है फेयर मार्केट ठीक एक छोटा सा सेक्शन था फिफ्टी डी अगर असेसिंग ऑफिसर यह डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि आपने ये चीजें कितने में बेची थी अगर हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन इस तरह की सफिशेंट अवेलेबल नहीं है और यह पता नहीं लग सकता है थोड़ा सा कि आपने ये कैसा बेचा था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसकी क्या थी तो उस केस में हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर को एक तरीके से पार मिली गई है कि इन केस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर सेलिंग प्राइस असर्टेनेबल नहीं है तो उस केस में हम फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं ठीक है नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मतलब आ, सिलेबस में तो है करना है बट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये रिपीट नहीं होता है बट फिफ्टी सी समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये ऑन एंड ऑफ आप देखते हैं कि फिफ्टी सी के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं फिफ्टी सी तो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको ठीक है नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं 51. 51 इज एडवांस मनी फोरफीटेड एडवांस मनी फोरफीटेड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक एस था एस के पास एक कैपिटल सेट था वो कैपिटल सेट किसी को बेच रहा था और उससे कुछ पैसे भी ले लिए थे एडवांस में कुछ कंसिडरेशन ले ली थी ठीक है एडवांस में टोकन मनी ले लिया था पर बाद में यह पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया था वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया वो हमने पूरा फुलफिल नहीं कर पाए हैं तो बायर कहता है कि नहीं अब मैं इसको नहीं खरीद रहा हूं तो हम उसका फु...

अगर आपने वन फोर टू थाउजें फोर्टीन या उसके बाद अमाउंट फोरफीट किया है तो जिस साल भी अमाउंट फोरफीट किया गया वो आपकी आई एफ ओ एस की इनकम बन जाएगी स्पेसिफिकली स्पेसिफिकलीफ्टी सिक्स में लिख दिया गया कि आपकी आई एफ ओ एस की इनकम है बिकॉज देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था कि कैपिटल रिसेट को हम जनरली टैक्सेबल नहीं करते अगर स्पेसिफिकली लॉ ने बोल दिया तब हम टैक्सेबल करते हैं तो ऐसी चीजें जो आपने एडवांस मनी फोरफीट किया तो दैट इज अ काइंड ऑफ योर कैपिटल रिसेट और अब आई एफ ओ एस ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि अगर जब आप ऐसा एडवांस फोरफीट करते हैं ठीक है बट, तो बट अगर आपने एडवांस था वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन से लिया था तो लॉ यहां पर नहीं था आई एफ ओएस में ऐसा नहीं लिखा था तो उस समय इसकी कोई इनकम नहीं बनाई जाती थी यानी कि हम क्या बोलते थे एस एस सी के बोलते कैपिटल रिसेट और यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो इसकी इनकम तभी नहीं बनती थी बट फिफ्टी में ये लिखा हुआ था कि अभी तो जब आपने एडवांस मनी फोर फीट किया है उस साल तो इनकम नहीं बनाएंगे बट जब कभी भी असैसी अगर आप इसको बेचेंगे जब अस आपने फोर किया था पैसा और बाद में आप किसी और को किसी थर्ड पर्सन को आप बेचते हैं तो जब आप इसको बेचेंगे तो आपकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ मनी अर्लियर जो भी आपने विदाउंट किया था वो माइनस कर देंगे ठीक है तो 2014 से पहले लॉ अलग था लॉ ये कहता था कि जो भी आपने एडवांस फोर किया था विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कॉस्ट वो आपकी कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएगा मतलब एक तरीके से आपकी कॉस्ट कम कर देंगे ठीक है कब जब आपने जब भी आप इसको कभी ना कभी किसी और को बेचेंगे तो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ तो एडवांस मनी फोरफिटेड को डिडक्ट कर देंगे विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर हु हैज फोरफिटेड द अमाउंट जिस जिस व्यक्ति ने अमाउंट फोरफीट किया था अगर वो इसको बाद में कभी बेचता है उसके हाथ में कैपिटल गेन आएगा बट कॉस्ट में से रिड्यूस करके बट यहां पर एक पॉइंट था छोटा सा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अमाउंट फोर फीट किया था फादर ने ठीक है फादर ने अमाउंट फोर फीट किया था फिर फादर ने ये अपने बेटे को दे दिया ठीक है से फादर की डेथ हो गई बेटे को मिल गया था बेटा इसको बेच रहा है तो क्या उसके हाथों में भी क्या बेटे के हाथों में भी ये हम कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे द आंसर इज नो उनके हाथों में नहीं करेंगे यानी कि ये प्रोविजन सिर्फ लगते थे कि जिस व्यक्ति ने अमाउंट फोर किया है जब वो इसको सेल आउट करता है वही व्यक्ति द

तो अब हम इसको लेट नहीं करेंगे जिस साल आपने एडवांस फोरफीट किया है उसी साल आपकी ये इनकम बन जाएगी ठीक है बट हां एग्जाम में ये भी आ सकता है आप देख देख डेट लीजिएगा कि वो अमाउंट फोरफीट कब हुआ है तो so, दिस होते नहीं है ठीक है फिर सेक्शन फिफ्टी फोर पर आते हैं एग्जामिशन में और फिर हम मैंने यहां सेक्शन 55 के बारे में बातें लिखी है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आऊंगा क्योंकि पहले मैं आपको एग्जामिशन बढ़ाना चाहता हूं तो रेफर नेक्स्ट पेज तो ये हम यहां पर एग्जामेशन पढ़ेंगे ठीक है 54, फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर बी फिफ्टी फोर ई सी फिफ्टी फोर डबल फिफ्टी फोर डी लेता हूं ठीक है और सी एम ए स्टूडेंट्स और सी एस स्टूडेंट्स के लिए तीन सेक्शन और हैं फिफ्टी फोर जी फिफ्टी फोर जी ए फिफ्टी फोर जी बी ठीक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले ओके okay. मतलब मैं आपने आपको इजीली टेबल दे दिया जिससे कि आप अपने एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर पाएंगे सेक्शन 54 फोर इन केस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्शन 54 होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई व्यक्ति द पर्स द दी इज एन इंडिविजुअल और एन इज एन एच एफ इफ ही हैज सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस अगर उसने अपना रेसिडेंशियल हाउस बेचा है और उसका कैपिटल गेन आ रहा है इनकेस उसका कैपिटल गेन आ रहा है तो आ, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये बट अगर वो दूसरा घर खरीद लेता है कि दूसरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेता है क्योंकि ऐसा लोग करते हैं वो अपना एक पुराना घर बेच के नया घर खरीद लेते हैं तो जब अगर वो नया घर खरीद लेता है तो उसको नया घर खरीद लेता है परचेस कर लेता है या कंस्ट्रक्ट करा लेता है तो उस केस में हम उसको एक्जाम्शन दे देंगे एंड दैट एक्जामेशन इज सेक्शन फिफ्टी किस किस को मिलती है इंडिविजुअल और एच यू एफ द एलिजिबल इज ओनली एन इंडिविजुअल एच यूएफ सर एक पार्टनरशिप फर्म ने अगर प्रॉपर्टी बेची या फिर कोई कंपनी ने प्रॉपर्टी बेची क्या उसको सेक्शन फिफ्टी मिलेगा द आंसर इज नो

ठीक है अगर आप खाली प्लॉट ठीक है सिर्फ खाली प्लॉट बेचेंगे तो 54 नहीं आएगा लैंड के केस में नहीं आता देर शुड बी बेचे चाहिए लॉन्ग टर्म अट होना चाहिए मतलब दो अच्छा लैंडिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए क्या लेते हैं हम दो साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है मतलब दो साल पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए आपको एग्जाम्शन कब मिलेगी अगर आप

पुरानी प्रॉपर्टी जो आपने बेची है उससे अगर एक साल पहले भी अगर आपने प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी खरीद लें या उसके दो साल के बाद भी तो परचेज़ करने के लिए आपको तीन साल टोटल मिलते हैं बट एक साल पुराना और दो साल आगे के आप इतना टाइम पीरियड मिलेगा आपको कि आप अपना प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या फिर अगर आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो सिर्फ आपको आगे की डेट्स देखनी है तो जिस साल आपने ट्रांसफर किया जिस दिन आपने ट्रांसफर किया है वहां से आपको तीन साल का टाइम पीरियड मिलता है कंस्ट्रक्ट कराने के लिए सर क्योंकि यहां पर टाइम पीरियड इतना ज़्यादा मिल गया मतलब ऑलमोस्ट तीन साल आगे तक का मिल गया बट कैपिटल गेन तो सर इसी साल आ रहा है पक्का और सर मेरा मूड है कि मैं अगले साल घर खरीदूंगा तो क्या मैं एग्जेम्शन ले सकता हूँ आंसर इज ये एग्जम्पन ले सकते हैं पर सर रिटर्न तो अभी हमें फाइल करनी है ठीक है रिटर्न तो हमें हमें अभी फ़ाइल करनी है तो अभी हमने नया घर खरीदा नहीं है सर कितने का खरीदेंगे अभी ये भी नहीं पता है नया घर हम ढूंढ रहे हैं पर मिलना नहीं ठीक है क्योंकि आपको घर परचेस करने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम लग सकता है और लॉ ने खुद आपको टाइम दिया तीन साल तक तक का तो आपको टाइम दिया ही है ना तो उस केस में लॉ क्या कहता है ठीक है क्योंकि आपको रिटर्न अभी फाइल करनी है इसी साल ठीक है आपकी ड्यू डेट ऑफ आर तक और आपको एग्जशन भी आपको इसी साल ही लेनी पड़ेगी सर मैंने घर तो अभी खरीदा नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं तो आप कैपिटल गेन स्कीम में पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं तो जितने आप कैपिटल गेन स्कीम में पैसे डिपॉजिट कराएंगे तो माना जाएगा वो आपने घर के बनाने के लिए या खरीदने के लिए पैसे डिपॉजिट कराए हैं तो उसको ही हम आपका डीम्ड इन्वेस्टमेंट मान लेंगे तो कैपिटल गेन स्कीम यहां पर अप्लीकेबल होती है बट हां इस टाइम लिमिट तक वो आपने जो भी पैसे जमा कराए हैं प्लीज उसको यूज कर लीजिएगा अगर आपने वो मिस यूटिलाइज किए या फिर आपने इस टाइम पीरियड तक यूज नहीं किए याद आ गई पुरानी बातें ठीक है अगर आपने इस डेट तक यूज नहीं किए हैं तो माना जाएगा कि जो हमने आपको एग्जम्शन दी थी वो विद्रॉ हो जाएगी ठीक है तो कैपिटल गेन स्कीम ऑफकोर्स एप्लीकेबल है क्योंकि आपको इतना टाइम पीरियड दे दिया गया ऑलमोस्ट तीन साल का कितनी एग्जाम्पन मिलेगी जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया अमाउंट इन्वेस्ट किया कहां पर किया होगा या तो आपने हो सकता है ड्यू डेट से पहले पहले घर ही खरीद लिया हो या घर बना लिया हो तो जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है या फिर आपने सीजी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो अमाउंट इन्वेस्टेड और ग्रॉस कैपिटल गेन जो भी आपका कैपिटल गेन आ रहा था पुरानी प्रॉपर्टी बेच के उन दोनों को कंपेयर करेंगे विच इज लोअर आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी ठीक है एग्जाम्पन विदड्रॉ कब होगी या तो अगर आपने कैपिटल गेन स्कीम में पैसे जमा कराए थे उसको यूज नहीं किया टाइम लिमिट निकल गई उसको यूज नहीं किया या फिर आपने नया घर खरीदा था एग्जाम्शन ली थी और आपने नया घर तीन साल से पहले पहले बेच दिया तो अगर आपने तीन साल से पहले नया घर बेच दिया या सी जी स्कीम का पैसा यूज नहीं किया है तो हम आपकी एग्जामेशन विद्रॉ कर लेंगे एक इंपॉर्टेंट बात है ठीक है जनरली क्या है एक घर बेचा है हमने तो हम एक ही घर खरीद सकते हैं यानी कि वन टू वन का रिलेशनशिप है एक घर बेचा तो एक ही घर खरीद सकते हैं सर अगर हमने एक घर बेचा और मैंने दो घर खरीद लिए फॉर एग्जाम्पल एस का एक घर था पुराना उसने बेच दिया अच्छे खासे पैसे मिले पर वो दो घर खरीदना चाहता है वो सोचता है कि उसके दो बेटे हैं बाद में दो घर काम आ जाएंगे तो क्या वो दो घर भी खरीद सकता है द आंसर इज यस खरीद सकता है अगर उसका कैपिटल गेन दो करोड़ से ज्यादा का ना हो तो वो दो घर भी खरीद सकता है ठीक है बट ये वाला ऑप्शन उसको पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मिलता है ठीक है तो इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज नॉट मोर देन टू करोड़ तो वो चाहे तो दो घर भी खरीद सकता है तो दोनों घर में जितनी उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो उसका अमाउंट इन्वेस्टेड मान लिया जाएगा

उसने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा हो और वो एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदे अच्छा जो खरीदे क्या वो अर्बन होना चाहिए रूरल होना चाहिए वो कोई भी हो सकता है ठीक है बेचे अर्बन खरीदे वेदर अर्बन और रूरल दोनों ही अलाउड है बट आपका एग्रीकल्चर लैंड जो आपने बेचा हो वो कम से कम आप दो साल से उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हो ठीक है या तो आप यूज कर रहे हो या आपके पेरेंट्स उसको यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर के लिए या फिर जिस एच को आप बिलोंग कर रहे हैं वो एच यूज कर रहे हो एग्जाम किसको मिलेगी इंडिविजुअल एच को ही मिलेगी ठीक है बट एग्रीकल्चर लैंड जो आपने ट्रांसफर किया है वो कम से कम दो साल से आप या आपके पेरेंट्स या आपके जिस एच को बिलोंग करते हैं आप वो लोग इसको यूज कर रहे हो पिछले कम से कम दो साल से ये एसेट ऑब्वियसली दो साल से यूज कर रहे होंगे तो लॉन्ग टर्म एसेट होना चाहिए नया सेट क्या खरीदें एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदें अर्बन या रूरल दोनों चलेंगे कितने दिन के अंदर खरीदने आपको दो साल के अंदर अंदर खरीदने सर दो साल मिल गए यहां पर पर रिटर्न तो अभी फाइल करनी है सीजी स्कीम एप्लीकेबल है ठीक है सीजी स्कीम एप्लीकेबल रहेगी अमाउंट ऑफ एग्जन सेम है ठीक है जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया ग्रॉस एल लोअर आपने क्या एग्जाम्शन विड्रॉ हो सकती है हाँ जी बिल्कुल हो सकती है अगर आपने ये लैंड बेच दिया तीन साल से पहले तो एग्जाम्शन आपकी विड्रॉ हो जाएगी ठीक है एग्जेपन विद्रॉ हो जाएगी प्लस या फिर आप आपने सीजी स्कीम में पैसे जमा करे थे और सीजी स्कीम के पैसे आपने यूज नहीं किए हैं और आपके वो दो साल का टाइम पीरियड निकल गया तो भी एग्जेम्पन विड्रॉ हो जाएगी ठीक है विड्रॉ कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो एग्रीकल्चर लैंड तीन साल से पहले बेच दिया जितने का भी बेचा ठीक है दैट इज फुल वैली ऑफ कंसिडरेशन बट आपकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं एग्जेपन क्लेम कर लिया जितना भी आपने एग्जाम्शन ली थी वो रिड्यूस कर देंगे बट ये एग्जाम्शन विड्रॉ तभी हो पाएगी अगर आपने तीन साल से पहले बेच दिया अर्बन क्योंकि अगर आपने रूरल बेचा है तो रूरल में की कॉस्ट में से रिड्यूस कर ही नहीं, नहीं सकते क्योंकि रूरल पे तो आप कैपिटल गेन ही नहीं निकालते तो एक यहां पे एक छोटी सी लूप होल है कि अगर तो टैक्स में एक छोटी सी लूप होल है मैं आपको सिखा नहीं रहा लूप होल्स बट स्टिल बट यहाँ पर है एक कि अगर एस ने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा और बाद में उसने रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया और अगर वो तीन साल से भी पहले बेचता है तो फिर भी उसकी एग्जामेशन विड्रॉ हो नहीं पाएगी क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जामेशन विड्रॉ होती है कि अगर आप तीन साल से पहले बेचें तो हम जब भी आप बेचेंगे कंप्यूटेशन करते समय हम कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड की तो कंप्यूटेशन होगी नहीं खैर इतनी डिटेल में मत जाइए मुझे आपको सिर्फ इतना बातें याद करानी थी कि तीन साल से पहले आपको बेचना नहीं चाहिए ओके फिफ्टी फोर ई सी अगेन एम्पर्टें सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है फिफ्टी फोर ईसी फिफ्टी फोर ईसी और फिफ्टी फोर ई डबल ई ऑलमोस्ट काफी सिमिलर थे पहले बट बाद में फिफ्टी फोर ई सी में थोड़े चेंजेस भी आ गए थे फिफ्टी फोर इसी क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचा था पहले ये कहता था तो कोई भी लॉन्ग टर्म अट बट अब ये कहता है लैंड बिल्डिंग या दोनों आपने बेचे हो मतलब लैंड बेचे हो बिल्डिंग बेचो या दोनों भी आपने बेचे हो तो हम आपका जो भी एक, आपका कैपिटल गेन आ रहा है जो भी आपका कैपिटल गेन आ रहा है इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब आप एग्जामेशन ले सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ बॉन्ड्स में कहां पर कौन से बॉन्ड्स में एनएचएआई के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आरई सी एल के रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के अगर आप बॉन्ड्स खरीदें कम से कम पांच साल की मेचोरिटी के यानी कि आपको पांच साल के लिए ये बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे तो आप एग्जामेशन ले सकते हैं एलिजिबल एस कौन है यहां पर एनी एस एलिजिबल है यानी कि यहां पर फिफ्टी फोर सिर्फ इंडिविजुअल एच ही नहीं दूसरे एस भी ले सकते हैं क्या बेचें लॉन्ग टर्म लैंड बेचें बिल्डिंग बेचें या दोनों बेचें लॉन्ग टर्म अ सेट होना चाहिए खरीदना क्या है एन के या आरईसीएल के बॉन्ड्स खरीदने हैं कम से कम कितनी मेचोरिटी के पांच साल के कितने दिन के अंदर खरीदने इंपॉर्टेंट है बहुत छह महीने के अंदर अंदर जैसे ही आपने कोई भी अपना लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग या दोनों बेचे ठीक है तो उस डेट से छह महीने के अंदर अंदर आप बॉन्ड्स खरीद लीजिएगा तो आपको एग्जाम्पन मिलेगी सर अगर छह महीने के बाद खरीदा एग्जेपन नहीं मिलेगी सर ठीक तो है तो सिक्स मंथ इंपॉर्टेंट है तो यहां की जरूरत है क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि आप सीजी स्कीम में पैसे जमा कराएं अरे अगर आपको पैसे जमा ही कराने हैं तो सीधा सीधा बॉन्ड्स खरीद लीजिए ना तो सीजी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है कितनी एग्जाम्पन मिलेगी सेम एग्जाम्शन है जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया या जितना भी ग्रॉस कैपिटल गेन रहा है आपका बट यहाँ पर एक और लिमिट है फिफ्टी लाख फिफ्टी लाख से ज्यादा की आप एग्जामेशन नहीं ले सकते हो एग्जामेशन विड्रॉ हो जाएगी अगर आपने ये बॉन्ड जो खरीदे थे पांच साल से पहले अगर आपने बेच दिए तो हम आपके एग्जामेशन विड्रॉ कर देंगे या फिर आपने बेचे नहीं बट इसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया तो भी एग्जामेशन विद्रॉ हो जाएगी फोर so ईसी समझ में आ रहा है मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं यहां पर फिफ्टी फोर डबल ई ठीक है फिफ्टी फोर डबल ई मैंक्स्ट फेज ऐसे बढ़ाता हूँ यहां से 54EE, almost similar, similar 54 ठीक है ऑलमोस्ट सिमिलर काफी जैसा बट थोड़ा सा तीन साल के लिए यहां पर क्या खरीदना है यहाँ पर नोटिफाइड यूनिट्स खरीदने ठीक है नोटिफाइड मेनली तो वहां पर था एनएचआई आरईसीएल के बॉन्ड्स यहाँ पर है नोटिफाइड यूनिट्स आप खरीदे ठीक है मैक्सिमम मिनिमम सॉरी तीन साल के लिए आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट करें तीन साल से पहले उनको बेचे नहीं तीन साल से पहले उनके ऊपर लोन ना लें वहां पर 54 फोर ईसी में हमने कोई भी लैंड बिल्डिंग या दोनों बेचे बेचने के बाद हम एग्जामेशन ले सकते हैं यहां पर यह कहता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचो कोई भी ज्वेलरी बेचने क्या सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्वेलरी बेचे शेयर्स बेचे कुछ भी बेचे बट अगर वो लॉन्ग टर्म असेट है तो साफ साफ लिखा हुआ है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल अटेट अगर आप बेच रहे हो

एग्जामेशन तो सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्शन को मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम्शन सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्शन तो कोई भी आ सकती है और आपको ये सेक्शन के साथ याद हो तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपने पहले से भी इस तरह के चार्ट्स अपने आप भी खुद बनाए होंगे ठीक है और मैंने भी यहां पर आपको चार्ट बुक में इस तरह के चार्ट दे दिए हैं ओके okay. फिफ्टी क्या बेचें ठीक है कोई भी लॉन्ग टर्म असेट आप बेच सकते हैं कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचें अदर देन हाउस अदर देन हाउस सर लैंड बेच सकते हैं क्या लैंड भी बेच सकते हैं बट अदर देन हाउस आप अगर बेचते हैं तो आप फिफ्टी फोर एफ की एग्जामेशन ले सकते हैं कौन ले सकता है इंडिविजुअली एच यू एफ ये एग्जामेशन ले सकते हैं बट मेनली ये एग्जामेशन दी गई है जिनके पास ज्यादा घर नहीं है अगर आपके पास पहले से एक घर है या एक भी नहीं है तो आप एग्जामेशन ले सकते हैं बट अगर आप पहले से आपके पास दो घर है एग्जाम नहीं ले सकते यहां पर मेनली मोटिव है कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचें अपना और खरीदें घर यहां पर घर खरीदने से मतलब है। एक तरीके से ये इकोनॉमिकली जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है उन लोगों के लिए सेक्शन आया है ठीक है उन लोगों के लिए सेक्शन है 54F कि आप यहाँ पर आपको इनकम टैक्स आपको सहायता कर रहा है कि अगर आप घर खरीदते हैं पुरानी चीजें बेच के जैसे लोगों के पास पुरानी ज्वेलरी होती है अपनी या पुराना कोई कहीं पर लैंड होता है वो बेच के वो अपना घर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं ठीक है बट अगर आप पहले से बहुत ज्यादा अमीर हैं पहले से आपके पास दो तीन चार घर हैं तो आपके लिए एग्जामेशन नहीं है ये सिर्फ उसके लिए एग्जाम्शन है जिसके पास या तो पहले से घर नहीं है अगर या फिर है तो मैक्सिमम एक घर है ठीक है तो कोई भी इंडिविजुअल और एच ई एफ ले सकते हैं कोई भी रेसिडेंशियल आप आ, कोई भी लॉन्ग टर्म अलाउड है खरीदना क्या है घर खरीदना है, पर आपको घर खरीदना है. कितने दिन के अंदर खरीदना है परचेस करना चाहते हैं एक साल पहले या फिर दो साल के बाद कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो तीन साल के अंदर अंदर आप कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं तीन साल का टाइम पीरियड दे दिया गया इज यस बिल्कुल एप्लीकेबल है और अमाउंट ऑफ कितनी मिलेगी यहां पर अमाउंट ऑफ एग्जेपन का तरीका थोड़ा सा अलग है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये सेक्शन ठीक है है थोड़ा सा अलग यहां पर भी क्या होता है सर अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन एवर इज लोअर नहीं यहां पर आपको मिलती है जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से मिलती है ठीक है तो ये जितने भी आपको पैसे आए हैं पैसे कितने मिले होंगे कंसिडरेशन सर बट यहां पर इस समय कौन से पैसे खर्च हुए होंगे आपको क्या पूरा का पूरा कंसिडरेशन मिली होगी या एक्सपेंसिव ट्रांसफर खर्च किया हो गया होगा आपने ठीक है तो ये मैं किस तरीके से समझाता था अपनी क्लास में मैं शॉर्ट में बता देता हूं लेट से ठीक है एस ने अपना एक पुराना कोई कैपिटल एसेट बेचा लॉन्ग टर्म लेट से लैंड बेचा पचास लाख का ठीक है फिफ्टी लाख का एसेट बेचा तो फिफ्टी लाख इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बट उसने वन परसेंट ब्रोकरेज भी दी ठीक है वन परसेंट ब्रोकरेज भी दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसिज ऑन ट्रांसफर ठीक है ना ऑन ट्रांसफर हुए उसके परसेंट तो वन परसेंट कितना होता है इसका पचास हजार उसने ब्रोकरेज दी तो प्लीज बताइए तो पूरा का पूरा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव लाख से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको अगर आप फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव लाख से कम इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक्ज, एक्जम्पन भी प्रोपोर्शनेटली कम मिल पाएगी तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिएगा कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है आपको कितनी एग्जामेशन मिल पाएगी अमाउंट इन्वेस्टेड जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपॉन नेट कंसिडरेशन इन टू ग्रॉस कैपिटल गेन ठीक है ध्यान दीजिएगा एक बार और अगर मान लेते हैं नेट कंसिडरेशन तो आपकी आई नेट कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर मतलब कुल मिलाकर आपके पास इस समय कितने पैसे आए हैं जो जैसे 50 लाख आए थे या आपको 50,000 ब्रोकरेज के देने पड़े 50,000 से ब्रोकरेज के देने पड़े तो मेरे पास 49.5 लाख है 49.5 लाख डिनोमिनेटर में आ गया अगर आपका क्लाइंट ये बोलता है कि सर मुझे पूरी एग्जामेशन चाहिए तो उसको बोलो सर कि कम से कम आपको 49.5 लाख तो मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे देखो 40 देखो मैथामेटिक्सन सिम्पल ये फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव में 49.5 डिनोमिनेटर में माइनस करने दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा वन तो वन मल्टीप्लाइड बाई एनी वुड बी योर पूरा का पूरा वही अमाउंट आ जाएगा ग्रॉस कैपिटल गेन के बराबर आ जाएगा तो अगर ये फ्रैक्शन वन है या वन से ज़्यादा है तो आपको एग्जाम्शन पूरी मिल जाएगी बट अगर ये फ्रैक्शन कम है तो आपको एग्जाम्शन कम मिल पाएगी जैसे कि फॉर अमाउंट इन्वेस्ट किया थर्टी और नेट तो तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे विच तो वन तो आपको एग्जम्शन भी कम मिल पाएगी ठीक है सबको समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना होता इसको एक बार आपको समझ लीजिए तो आपको आराम से अप्लाई कर पाएंगे बट दिस इज एफ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन कब विद्रॉ कर देंगे अगर विद्रॉवल ऑफ एग्जाम्शन कब हो जाएगी अगर आपने जो नया घर खरीदा उसको तीन साल से पहले बेचना मत दूसरी बात अगर आप ज्यादा अमीर बनने की कोशिश करेंगे मतलब कि अगर आप तीन साल से पहले एक और नया घर खरीद लेंगे तो भी हम आपको एग्जाम्शन विड्रॉ कर देंगे क्योंकि एग्जाम्शन देने का मोटिव ये था कि असेसी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो हमने आपको एग्जाम्शन दी बट अगर आप अमीर बन गए हैं जल्दी से मतलब एक और घर खरीद लिया आपने तो फिर हम आपको एग्जाम्शन विदड्रॉ कर देंगे या फिर सीजी स्कीम में पैसे जमा कराए थे और आपने सीजी स्कीम के पैसे ठीक से यूटिलाइज नहीं किए या अनयूटिलाइज रह गए टाइम निकल गया तो भी हम आपके एग्जामेशन विद्रॉ कर देंगे ठीक सब तो है सबको समझ में आता है तो दस फिफ्टी फोर एफ नेक्स्ट पर आ जाइए चार एग्जामेशन और हैं सी इंटर के स्टूडेंट सिर्फ फिफ्टी फोर डी पढ़ेंगे ठीक है बट सी एम ए स्टूडेंट सी एस स्टूडेंट्स फिफ्टी फोर जी फिफ्टी फोर जी ए फिफ्टी फोर जी बी भी है उनके लिए तो मैंने लिखा भी है यहां पर ये यह सीएमए और सी स्टूडेंट्स के लिए ही हैं तीन सेक्शंस सी एंटर के लिए नहीं है ओके okay. शुरू करें फिफ्टी डी एक्चुअली ये सेक्शन फिफ्टी फोर डी फिफ्टी जी फिफ्टी जी ये जो तीनों सेक्शनस है ना ये मैंने इसके साथ ही मैं क्यों करा रहा हूँ क्योंकि मेनली ये बिजनेस एस को मिलते हैं जिनकी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं ये उनको सेक्शन मिलते हैं तो फिफ्टी डी क्या होता है फॉर एग्जाम्पल एक एस है उसकी फैक्ट्री है ठीक है उसकी एक इंडस्ट्रियल यूनिट है इंडस्ट्रियल यूनिट मतलब मैनुफैक्चरिंग कंसर्न उसकी एक फैक्ट्री है बट फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट वहाँ पर कोई रोड या कोई फ्लाईओवर uh, वगैरह या कोई भी फॉर एग्जाम्पल ट्रेन या मेट्रो वगैरह बना रही है तो उसका फैक्ट्री की लैंड या बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर की जा रही है तो अगर इन केस उसकी लैंड या बिल्डिंग जो व्यक्ति की एक फैक्ट्री थी इंडस्ट्रियल यूनिट थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो कम से कम इसको दो साल से अपनी फैक्ट्री की तरह यूज कर रहा था और इस एस का लैंड या बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर हो जाए तो कैपिटल गेन आएगा बट वो एग्जाम्पन ले सकता है ठीक है तो एलिजिबल एसएससी कौन है एनी एस एससी इंडिविजुअल की फैक्ट्री है पार्टनरशिप फर्म है कोई भी एस एससी सब लोग चलेंगे अगर उसकी लैंड या बिल्डिंग कंपलसरी एक्वायर की जाए जो वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर रहा था कम से कम दो साल से टाइप ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकते शॉर्ट टर्म भी हो सकता है सर दो साल के बाद तो लॉन्ग टर्म होगा अरे मुझे प्लीज बताइए ना कि अगर फॉर एक्साम्पल उसकी बिल्डिंग एक्वायर होगी तो बिल्डिंग तो उसके ब्लॉक का पार्ट है ठीक है ब्लॉक का पार्ट है ब्लॉक में तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही आता है ना फिफ्ट सेक्शन फिफ्टी डेप्रीशियबल अट ठीक है हाँ जी उसको खरीदना क्या है उसको फैक्ट्री के लिए ही लैंड या बिल्डिंग खरीद सकता है सर लैंड कंपल्सरीवायर होगा तो लैंड ही खरीदना है क्या नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लैंड और बिल्डिंग कंपल्सरीवायर हो आप इन दोनों में से कोई भी कहाँ कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अमाउंट टू तो बी इन्वेस्टेड लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज यानी कि अपने फैक्ट्री के लिए ये पैसे ये आप खरीदें सर खरीदने में टाइम लग सकता है हाँ जी बिल्कुल लग सकता है तीन साल आपको टाइम दिया गया है सर तीन साल टाइम दिया गया सी स्कीम एप्लीकेबल है बिल्कुल है सीजी स्कीम एप्लीकेबल है कितना एग्जामिशन मिलेगी बहुत सिंपल सी बात है जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया या ग्रॉस कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर विड्रॉल कब हो जाएगी या तो आप ये लैंड या बिल्डिंग तीन साल से पहले बेच दें तो विड्रॉ हो जाएगी या फिर सीजी स्कीम में पैसे जमा कराए थे टाइम से यूज नहीं हुए तो भी विड्रॉ हो जाएगा ठीक है फिफ्टी फोर डी सर इंपॉर्टेंट है क्या फिफ्टी फोर डी देखिये मैं कह नहीं सकता हूं ठीक है क्योंकि सिलेबस में कुछ भी आ सकता है बट देखा गया कि फिफ्टी फोर डी थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंट आता है ठीक है ठीक है तो इसकी थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसी रहती है एग्जाम में आने के लिए फिफ्टी एफ हो गया फिफ्टी ईसी हो गया ठीक है 54 हो गया ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं ओके okay. अब ये तीन सेक्शन में डिस्कस कर रहा करूं छोटे छोटे सेक्शन से सी एंटर स्टूडेंट्स भी अगर चाहें तो सुन सकते हैं ठीक है बट मेनली ये आपके कोर्स में नहीं है ये सिर्फ सी स्टूडेंट्स के लिए है और सी स्टूडेंट्स के लिए है मेरे ओके okay. 54G, 54G और 54G है ना दोनों बिल्कुल सिमिलर सेक्शन है बिल्कुल सिमिलर सेक्शन है यहां पर क्या बोलते हैं ये कि अगर आपकी एक फैक्ट्री है अर्बन एरिया में आपकी अर्बन एरिया में फैक्ट्री है और आप इसको रूरल एरिया में शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है ठीक है आप अपनी फैक्ट्री को अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा सर हमें अपनी पुरानी जो अर्बन एरिया में हमारी फैक्ट्री थी वहाँ का लैंड थी बिल्डिंग थी वो बेचनी पड़ेगी तो कैपिटल गेन आएगा ठीक है और हो सकता है कि कुछ मशीन्स भी बेचनी पड़े क्योंकि हो सकता है कि कुछ मशीन्स थी ऐसी इमूवल मशीन्स थी जो आप उसको आ, वहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते या फिर हो सकता था कि अर्बन एरिया में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में और रूरल एरिया की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा जोग्राफिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस भी हो तो हो सकता है कि वो पुरानी मशीन वहां पर नहीं चल सकती या फिर हो सकता है कि अगर आप नई फैक्ट्री सेटअप भी कर रहे हो तो आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा और एडवांस कराता हूँ इसको तो पुरानी मशीन्स को आप रिप्लेस करना चाहते हैं नई मशीन से तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि अगर आप अपनी अर्बन एरिया में आपकी लैंड वन बिल्डिंग टू या प्लान मशीनरी भी यहाँ पर प्लान मशीनरी फिफ्टी फोर डी में देखो प्लान मशीनरी नहीं था वहां पे लैंड और बिल्डिंग था बट यहाँ पर फिफ्टी फोर जी में बोला तीन चीजें लैंड बिल्डिंग और प्लान मशीनरी अगर आप अपनी अर्बन एरिया में लैंड बिल्डिंग या प्लान मशीनरी बेचकर आ रहे हैं और आपका कैपिटल गेन आ रहा है ठीक है आपका कैपिटल गेन आ रहा है और अगर आप रूरल एरिया में शिफ्ट होते हैं और इन तीनों में से कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं आप जरूरी नहीं कि लैंड के बदले लैंड ही खरीदें नहीं इन तीनों को में से कोई भी चीजें बेचें इन तीनों में से कोई भी चीजें खरीदें आप यानी कि लैंड

अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कहाँ पर इन्वेस्ट करना है लैंड में करें बिल्डिंग में करें प्लांट मशीनरी में करें कहाँ पर रूरल एरिया में रूरल एरिया में आप इन्वेस्ट करें कितने दिन के अंदर आप खरीद सकते हैं सर तीन साल के बाद भी आप ले सकते हैं और एक साल से पहले भी यहाँ पे टोटल चार साल दिए गए एक तरीके से सर एक साल से पहले क्यों अरे मुझे बताइए जब कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकली अपना बिजनेस शिफ्ट करता है तो क्या एक अच्छा बिजनेसमैन ऐसा वो करेगा कि वो एक जगह से अपना बिजनेस पूरी तरीके से बंद करे फिर नई जगह पर जाकर फिर ओपन करेगा और ओपन करने में आपको टाइम लगेगा तो एक अच्छे बिजनेसमैन को एक समझदार बिजनेसमैन को ऐसा नहीं करना चाहिए वट ही शुड डू इज कि आपको अगर किसी जगह से अपनी फैक्ट्री बंद करनी है तो आप अपनी दूसरी जगह पर थोड़ी बहुत अपना प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए तो इसलिए बोला गया कि अगर आपने एक साल पहले भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी अलाउड है ठीक है सबको समझ में आ गया तो वन ईयर बिफोर और थ्री इय आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर अलाउड है सीजी स्कीम एप्लीकेबल होगी क्योंकि तीन साल तक का टाइम दे दिया गया सीजी स्कीम एप्लीकेबल है अमाउंट ऑफ एक्जन सेम रहेगी अमाउंट इन्वेस्टेड और ग्रॉस कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर अमाउंट इन्वेस्टेड का में क्या क्या आएगा अगेन इंपॉर्टेंट बात है आप लैंड खरीदें बिल्डिंग खरीदें या प्लान खरीदे प्लानेशन खरीदे रूरल एरिया में वो अमाउंट इन्वेस्टेड आएगा प्लस जो आपके शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हुए हैं ठीक है बिकॉज यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया तो आपके जो शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी आपके अमाउंट इन्वेस्टेड का पार्ट माना जाएगा जब आप एक्जन क्लेम करें तो वो भी आपके अमाउंट इन्वेस्टेड का पार्ट होगा साथ साथ में कुछ दूसरे अगर एक्सपेंसेस अगर नोटिफाइड हैं बाय इनकम टैक्स बाय गवर्नमेंट अगर उन्होंने नोटिफाई कर दिया तो आप उसको भी अमाउंट इन्वेस्टेड का पार्ट मान सकते हैं तो यहां पर बहुत साफ साफ लिखा हुआ है अमाउंट इन्वेस्टेड में जितना भी आपने असेट परचेज किए हैं लैंड बिल्डिंग या वो भी आएगा. Shifting expenses भी expenses भी आएगा, आएंगे और बनेगा, ठीक है कब कर देंगे? भैया तीन साल से पहले अगर आपने कोई अपने assets बेच तो विड्रॉ कर देंगे क्या सीजी स्कीम का पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अगर आप अपने फैक्ट्री uh, शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन एरिया से टू एसीड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो भी हम आपको एग्जामिशन देंगे और फिफ्टी फोर जी ए हंड्रेड परसेंट सेम फिफ्टी फोर जी की तरह ठीक है सारे प्रोविजन बिल्कुल सेम है बट फिफ्टी फोर जी क्या कहता है अर्बन से रूरल फिफ्टी फोर जी ए क्या कहता है अर्बन टू एसी अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो तो देख लीजिए सभी एस को मिलेगा मैं यहां से बता देता हूं आपको फिफ्टी फोर जी ए ठीक है एलिजिबल एस एस सभी तरह के एस को मिलेगा असेट ट्रांसफर किया और लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी अर्बन एरिया में और आप लैंड बिल्डिंग या प्लान मशीनरी ऐसी में खरीदें एक साल पहले या तीन साल के अंदर अंदर अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विचे एवर इज लोअर अमाउंट इन्वेस्टेड में क्या क्या आएगा कॉस्ट ऑफ असेट प्लस शिफ्टिंग एक्सपेंसिस प्लस अदर नोटिफाइड एक्सपेंसिस सबको समझ में आ गया फिफ्टी जी है ओके लास्ट सेक्शन की बातें करते हैं फिफ्टी फोर जी बी ठीक है ये भी छोटा सा सेक्शन है इंपॉर्टेंट है सेक्शन 54 फोर जी बी कहता है कि अगर इंडिविजुअल है है या एंड इफ ही हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में यहां पे हाउस प्रॉपर्टी नहीं है यहां पर तो यहां पर अगर रेसिडेंशियल हाउस बेचा है तो भी एग्जामेशन मिल जाती है और इन केस प्लॉट बेचा है इट्स अ पीस ऑफ लैंड इट वॉज अ रेसिडेंशियल प्लॉट तो भी यहां पर कैपिटल गेन की एग्जाम्शन मिल सकती है यहाँ पर इन्वेस्ट कहाँ पर करना है आपको एक नई कंपनी फ्लोट करनी पड़ेगी नई कंपनी बनानी पड़ेगी विच इज़ कमिंग अंडर एस एम ई प्लेटफॉर्म स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में वो आती हो यहाँ पर आपको मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट इक्विटी शेयर्स खरीदने पड़ेंगे तो इन केस अगर आप एक नई कंपनी बनाते हैं जिस साल आपका कैपिटल गेन आया उसी साल ये कंपनी बनी हो फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ऑफ दैट ईयर उस साल ये कंपनी बनी हो और आप इसमें मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर शेयर्स खरीदते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी और सिर्फ शेयर्स ही नहीं खरीदने उस पैसे से आपको एक खरीदनी है प्लांट एंड मशीनरी इट शुड बी अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी अपने आप फैक्ट्री में इसको इंस्टॉल करें हंड्रेड परसेंट डिडक्शन इसके ऊपर फर्स्ट ईयर ना मिलती हो मतलब ऐसी प्लांट मशीनरी जो हम एडिशनल डेप्रिसिएशन में बातें करते थे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि फिफ्टी फोर जी बी एलिजिबल एस एस सी वुड बी इंडिविजुअल और एच यू एफ अस्टेट ट्रांसफर कौन सा किया गया हो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इट कुड बी हाउस और लैंड ऑल्सो टाइप ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आ रहा हो आपका तो आपको खरीदने क्या है इक्विटी शेयर्स और ये इक्विटी शेयर्स खरीदने के बाद आपको एक साल के अंदर अंदर आपको वो नई प्लांट मशीनरी खरीदनी पड़ेगी कौन खरीदेगा कंपनी को खरीदना पड़ेगा जिस कंपनी में आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं मतलब ऑलमोस्ट वो आपकी कंपनी है नई कंपनी फ्लोट की गई हो जिसमें आपकी कम से कम शेयर होल्डिंग ट्वेंटी से ज़्यादा हो एग्जम्पन कितनी मिलेगी सेम एज़ फिफ्टी फोर एफ जैसे फिफ्टी फोर एफ़ की एग्जम्पन मिलती है अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन इन टू योर कैपिटल गेन ये हम एग्जम्पन विड्रा कब कर देंगे अगर आपने अपने शेयर्स पाँच साल से पहले बेच दिए तो एग्जम्पन विड्रॉ हो जाएगी या फिर जो नई प्लांट मशीनरी कंपनी ने खरीदी थी उसको पाँच साल से पहले बेच दिया गया कंप्यूटर्स अगर उसने खरीदे थे तो तीन साल से पहले अगर उनको बेच दिया गया दिस वॉज योर एग्जाम्शन फिफ्टी फोर जी बी यहाँ पर हमने फिफ्टी फोर डी फिफ्टी फोर जी फिफ्टी फोर जी ए खत्म कर लिया है छोटा so सा सेक्शन होता है आई बिलीव ये सबको पता होता है अगर फिफ्टी फोर एच का नंबर से ना पता होता तो उसका प्रोविजन क्या होता है वो आपको पता होगा इनकेस जब कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है तो वहां पर अगर हमें एग्जाम्पन लेनी है जैसे हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया तो आपको पता है कि तीन साल के अंदर अंदर हमें नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है परचेस करनी तो एक साल पहले या दो साल के बाद बट इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजेशन अगर हमें पैसे ये कंपनसेशन लेट मिलता है फॉर एग्जाम्पल एक साल के बाद मिलता है या दो साल के बाद मिलता है तो क्या हमारा वो टाइम पीरियड एग्जॉस्ट हो जाएगा द आंसर इज नो आपको टाइम पीरियड उस केस में काउंट होगा जो आपको तीन साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करना था या दो साल के अंदर परचेस करना था जो भी किस कोई सेक्शन है जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं 54 से रिलेटेड जितने भी हमने सेक्शन पढ़े हैं वहां पर हम ये देखते हैं कि आपको परचेस करने का टाइम लिमिट मिलती है कंस्ट्रक्शन करने की टाइम लिमिट मिलती है बट इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन वो टाइम लिमिट हम लोग काउंट करते हैं जब से वो कंपनसेशन रिसीव हुई है ठीक है सबको बातें समझ में आती है ये बातें फिफ्टी फोर एच में लिखी हैं अगर आपको फिफ्टी फोर एच का नंबर याद ना रहे तो इट्स ओके बट यू शुड नो कि हमारा वो जो टाइम लिमिट नए असेट में इन्वेस्टमेंट करने की होती है उस केस में वो टाइम लिमिट शुरू होगी जब से वो कंपनसेशन रिसीव हुआ है ठीक है तो यहां पर हमारा मेनली कैपिटल गेन खत्म होता है सेक्शन 54 छोटी छोटी और बातें वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानते हैं नल ठीक है सेल्फ जनरेटेड असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नल होगी और इन केस अगर ये सेल्फ जनरेटेड एसेट ठीक है कौन कौन से है ये जैसे गुडविल है राइट टू मैनुफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग है आपके पास कोई कॉपी राइट है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का या राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस आपके पास टेनेंसी राइट right है ट्रेडमार्क है रूट परमिट से लू मार्क्स हैं तो ये जो आपके इंटेंजिबल टाइप्स ऑफ असेट्स हैं अगर ये सेल्फ जनरेट किए गए हैं तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं नल और इनकेस अगर ये सेल्फ जनरेट किए गए थे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है अगर ये सेल्फ जनरेट किए गए थे फर्स्ट अप्रैल 2001 से पहले के लिए तो हम लोग जानते हैं जो भी असेट वन फोर टू से पुराना होता है हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं एज ऑन वन फोर टू बट ऐसे असे असेट्स के लिए हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं लेंगे साफ साफ लिखा हुआ है इन केस द अब असेट्स आर सेल्फ जनरेटेड बिफोर वन फोर टू थाउजेंड द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन वन फोर टू शुड नॉट बी टेकन शुड नॉट बी टेकन हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं और इसकी वैल्यू फिर हमें निल ही लेनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल आएगी बिकॉज इट इज सेल्फ जनरेटेड बट इन केस इट इज नॉट सेल्फ जनरेटेड इट इज परचेज तो फिर आप आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस आप ले सकते हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल गुडविल वगैरह परचेज की गई है तो इसकी एक्चुअल परचेज प्राइस ले सकते हैं इंप्रूवमेंट कॉस्ट कितनी लेनी है तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है गुडविल राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस इसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होती इट विल ऑलवेज बी नेल बट इन केस जो हमारा सेकेंड पार्ट है टेनेंसी राइट ट्रेडमार्क्स रूट परमिट्स और लू इनकी इंप्रूवमेंट कॉस्ट ले सकते हैं अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट कॉस्ट एक्चुअली इनकर की गई है अगर एक्चुअली इनकर की गई है तो इसकी इंप्रूवमेंट कॉस्ट ले सकते हैं तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि, कि किसकी हम इंप्रूवमेंट कॉस्ट ले सकते हैं और किसकी इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं ले सकते हैं ठीक है सेक्शन 55 ए रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर कभी-कभी आपको बताया कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो असेससी सेलिंग प्राइस बता रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है तो

एविडेंस तो as लेकर आया हूं बट हमें उस एविडेंस डाउट आ रहा है ठीक है तो एज ऑफ दट दैल्यू क्लेम डिफरेंट फ्रॉम्यू उसको लग रहा है नहीं, नहीं कुछ गड़बड़ है तो हम वेल्यूशन ऑफिसर की मदद ले सकते हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू नहीं लाया बट फिर भी असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि आप एक गलत इसकी वैल्यू बता रहे हैं अगर थोड़ा बहुत गलत बता रहे हैं तो कोई बात नहीं है बट अगर आप मेजरली ये वैल्यू गलत बता रहे हैं तो हम वैल्यूशन ऑफिसर के पास जा, जाएंगे अब ये पैरामीटर्स क्या है मेजरली आप गलत बता रहे हैं इसके पैरामीटर है अगर हमें लग रहा है कि डिफरेंस फिफ्टीन तक का है या फिर ट्वेंटी फाइव तक का है विच एवर इज लोअर ठीक है तो दो चीजें लेनी है आपको फिफ्टीन परसेंट वैल्यू क्लेम्ड या फिर ट्वेंटी है कि इतना डिफरेंस है तो वी कैन गो टू द वैल्यूशन ऑफिसर या फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्टिकुलर एस ने कुछ चीजें ऐसी ट्रांसफर की हैं ऐसा कैपिटल ट्रांसफर किया है जिसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना आसान नहीं है तो यहां पर हम वेल्यूशन ऑफिसर की मदद ले सकते हैं ठीक है तो वेल्यूशन ऑफिसर कौन होते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही एक इंप्लॉई है ठीक है जिनका मेजरली एक्सपर्टीज है इन वैल्यूएशन ठीक है सो दिस वाज सेक्शन 55 फाइव नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ठीक है हाँ बट एमसी के लिए दोनों चीजें आ सकती है ये वाली बात याद रखिएगा 15% ऑफ द क्लेम्ड वैल्यू ट्वेंटी रुपीजर इज लोअर अगर एओ को लगता है कि इससे भी ज्यादा डिफरेंस है तो आप वेल्यूशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं एक और बात कर लें कैपिटल गेन में हम लोग बातें करते हैं सिक्योरिटीज की शेयर्स के बारे में बातें और कर लेते हैं जिससे कि हम अपना कैपिटल गेन पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए शेयर्स के लिए ठीक है पहले मैं बोनस शेयर्स के बारे में बातें कर लेता हूं बोनस शेयर्स क्या होते हैं सर वो तो हमें फ्री में मिलते हैं तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं नल तो बोनस शेयर जब भी बेचेंगे कैपिटल गेन आएगा जितने में आपने बेचा दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बट जितने में खरीदा था वो तो आपको फ्री में मिला था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेनी है बट इन केस अगर ये आपको बोनस शेयर अलॉट हुए थे हमारा तो वन फोर टू थाउजेंड वन से पुराने अगर बोनस शेयर है तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन ले सकते हैं तो दिस वॉज अबाउट बोनस शेयर राइट शेयर राइट शेयर क्या होते हैं सर ये शेयर हमें थोड़े कंसेशनल रेट पर मिलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये ऑफर करते हैं कंपनी की आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम और इशू कर रहे हैं तो आपको हम राइट right दे रहे हैं दैट यू कैन परचेज एट एट अ रिड्यूज रेट कंसेशनल प्राइस पर आपकी मर्जी होती है आप इसको खरीदें या ना खरीदें और आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है ये राइट right किसी और को भी दे सकते हैं और अगर ये आप राइट right किसी और को दे देते हैं उससे आप थोड़े बहुत पैसे चार्ज करते हैं जितने भी आप उससे पैसे चार्ज करते हैं अगेन इट विल गिव टू कैपिटल गेन क्यों क्योंकि आपने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया ठीक है सब लोग समझ रहे हैं ना राइट शेयर तो शेयर्स नहीं बेचे बट अपना जो राइट जो आपको एक ऑफर मिला था कंपनी की तरफ से वो ऑफर आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया टेक्निकली वी कॉल इट रेनसिएशन ऑफ राइट आपने अपना राइट को रेनाउंस कर दिया तो इनकेस अगर आपने अपना राइट को रेनाउंस कर दिया उसके भी कैपिटल गेन आएगा तो राइट शेयर्स क्या होते हैं तो यहां पर अगर ओरिजिनल शेयर्स जो आपको ओरिजिनल शेयर्स मिले थे उसकी कॉस्ट कॉस्फाइकेशन क्या होती है जो आपने एक्चुअली प्राइस पे किया था और अगर आपको राइट शेयर्स एक्वायर किए हैं आपने ओरिजिनल शेयर्स सब लोग समझ गए क्योंकि कभी ना कभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो कब बना होगा जब उसने ओरिजिनल शेयर्स खरीदे होंगे ओरिजिनली फर्स्ट टाइम ठीक है फॉर एक्जाम्पल उसको सौ शेयर्स अलॉट हुए थे ठीक है पहले उसको सौ शेयर्स अलॉट हुए थे या फिर उसने सौ शेयर्स खरीदे थे सौ शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी जितने में इसको खरीदा था सौ शेयर्स को बाद में उसको राइट शेयर अलॉट हो गए वन इंस टू फाइव के रेशियो में वन एस टू फाइव के रेशियो का मतलब क्या होता है वन शेयर फॉर एवरी फाइव शेयर ठीक है आपके पास जो भी पांच शेयर्स हैं उसके बदले में आपको एक शेयर राइट इशू दे रहे हैं कंसेशनल अमाउंट पे तो कितने शेयर्स दे, दे दिए फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी वन इंस टू फाइव के रेशियो में लेट से तो आपको हंड्रेड शेयर्स पहले से थे तो आपको ट्वेंटी शेयर्स और मिल गए तो ट्वेंटी शेयर्स फॉर एग्जाम्पल कभी भी आप बेचेंगे बाद में तो ट्वेंटी शेयर्स की कॉस्ट क्या लेंगे जितने में आपने इसको कंपनी से खरीदा था कंसेशनल अमाउंट वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी हंड्रेड की कॉस्ट क्या लेंगे जितने में आपने हंड्रेड शेयर्स खरीदे थे पहले ठीक है तो ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी जितने आपने पैसे खर्च करे राइट शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी जितने आपने राइट शेयर्स के लिए पैसे खर्च करे ऑल वो कंसेशनल अमाउंट करा पर जो भी आपने खर्च किया दैट इज योर कॉस्ट ठीक है बट अगर आपने ये अपना राइट किसी और को दे दिया ठीक है राइट आपने रिनाउंस कर दिया तो आपको राइट ऑफर लेटर मिला था क्या आपको ऑफर लेटर के लिए आपने कोई पैसा खर्च किया था या इट वॉज जस्ट इशूड टू तो यू वो ऑफर आपको सिर्फ इसलिए इशू हुआ था बिकॉज यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उस ऑफर के आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़े थे बट आपने ये राइट ये लेटर किसी और को रिनाउंस कर दिया तो जितना भी आप उससे पैसे लेंगे दैट वुड अगेन गिव राइज टू कैपिटल गेन तो जितने पैसे लिए अगर आप राइट बेच देते हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी ठीक है अच्छा मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जिसको आपने ये राइट ट्रांसफर कर, कर दिया उसने आपको भी थोड़े बहुत पैसे दिए और फिर वो शेयर कंसेशन रेट में कंपनी से खरीदेगा मतलब वो दो खर्चा कर रहा है एक तो आपसे राइट right खरीदा उसने और दूसरा उसने कंपनी से शेयर्स खरीदे तो उसके लिए राइट right, उसके लिए शेयर्स की कॉस्ट क्या बन जाएगी जो उसने टोटल अमाउंट पे किया है कंपनी को प्लस आपको आपको मतलब जिससे उसने राइट right खरीदा था तो राइट शेयर्स एक्वायर्ड बाई ट्रांसफरी ट्रांसफरी मतलब जिसको हमने अनाउंस कर दिया उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी जितना अमाउंट उसने कंपनी को पे किया प्लस जितना अमाउंट उसने राइट right को परचेज करने के लिए पे किया था जिसको ट्रांसफरर को जितने पैसे दिए थे दैट वुड बी इंक्लूडेड इन हिज शेयर प्राइस कॉस्ट ठीक है तो ये राइट शेयर होता है अगेन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेक्शन ट्रिपल वन सेक्शन वन वन टू सबको पता है क्या होते हैं ट्रिपल वन ए क्या होता है सर यहां पर फिफ्टीन परसेंट रेट लगता है टैक्स का ठीक है किस चीज के ऊपर अगर आप इक्विटी शेयर बेचें या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स बेचें या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट शुरू के दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अगर आप बेचते हैं इनफैक्ट तीनों चीज होती है बिजनेस ट्रेस दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप इसको स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं जहां पर आपने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स पे करते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और इनकेस ये शॉर्ट टर्म है बिकॉज इनके लिए तो हम एक साल के बाद लॉन्ग टर्म बना देते हैं तो अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग एक साल या उससे कम है और आप इसको बेच देते हैं जिसके ऊपर आपने एस पे किया है तो इसके ऊपर रेट चार्ज करते हैं टैक्स का फिफ्टीन परसेंट तो इस स्पेशल रेट है टैक्स का 15%, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप इसको RSC पर बेचें आर एस सी का पूरा नाम क्या होता है आप इसको करें। आपने पे किया होगा की, ये थोड़ी देर में बताता हूँ चैप्टर सिक्स ए की कोई डिडक्शन यहाँ से नहीं मिलती हम लोग जब डिडक्शन करते हैं एटीसी से एटीयू में तो हम आपको देखते हैं कि जो आपकी स्पेशल इनकम होती है उसमें से हम ये डिडक्शन नहीं ले सकते चैप्टर सिक्स से यहां पर नहीं मिलता अगर आप एक इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि ट्रिपल वन पर फिफ्टीन परसेंट टेक्स होता है ठीक है, है और बाकी की हमारी स्पेशल इनकम होती है जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए कैजुअल इनकम उस पर स्पेशल रेट होते हैं और बाकी की हमारी जो रिमेनिंग इनकम बचती है उस पर स्लैब रेट लगते हैं ठीक है ठीके? और स्लैब रेट कैसे हैं जैसे टू पॉइंट से शुरू करते हैं हम लोग स्लैब रेट मान लेते हैं किसी की ट्रिपल वन है तो ठीक ठाक है बट उसका स्लैब रेट बहुत कम है और स्लैब रेट कितना है उसकी जो बेसिक एक्जम्शन लिमिट है उससे भी कम है तो याद आता है मूवमेंट हम लोग करते हैं तो हमारी जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पन लिमिट है जैसे मैं इसका एग्जाम्प दूं आपको जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम सेवन लाख रुपीज है ठीक है इसकी टोटल इनकम है सेवन लाख रुपीज ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिस्टर ए एंड ही इज फोर्टी वन ईयर्स ऑफ एज ये फोर्टी वन ईयर्स के हैं मिस्टर ए इनकी सेवन लाख रुपीज़ की इनकम है तो क्या हम सेवन लाख के ऊपर सीधा सीधा स्लैब रेट लगा दें सर टू पॉइंट फाइव लाख वाले स्लैब रेट लगा दीजिए इनके ऊपर द आंसर इज नो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनकी ये इनकम में क्या कोई स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम को अलग करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें पता चलता है कि इसमें एक स्पेशल इनकम है फाइव लाख रुपीज़ की दैट इज ट्रिपल वन ए यानी कि इन्होंने अभी शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर या इक्विटी यूनिट्स बेचे हैं और ट्रिपल वन ए है और इसके ऊपर रेट क्या लगना है फिफ्टीन परसेंट तो इसके अमाउंट के ऊपर यहाँ पर ट्रिपल वन है यहाँ पर फाइव लाख के ऊपर फिफ्टीन परसेंट रेट लगना है और बाकी की इनकम कितनी बची है बाकी की कोई और स्पेशल तो नहीं है बट बाकी की जो रिमेनिंग इनकम बची है वो टू लाख बची है सब लोग सब लोग समझ गए हैं ये बातें सेवन लाख को मैं डिवाइड कर रहा हूँ फाइव लाख और टू लाख ठीक है ये इनकम टू लाख बची है तो हम क्या करेंगे सर फाइव लाख के ऊपर फिफ्टीन परसेंट टैक्स रेट लगा देते हैं और ये तो ढाई लाख तक एक्जैम्ट होता है तो उसके लिए जीरो तो सर फाइव लाख के और फिफ्टीन परसेंट टैक्स आ जाएगा प्लस सेस वगैरह ऐड कर देंगे द आंसर इज नो हम लोग क्या देखते हैं इन केस दिस पर्सन इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ठीक है अगर ये रेसिडेंट है रेसिडेंट है रेसिडेंट होना जरूरी है तो इन केस अगर ये रेसिडेंट है तो आप इनकी देखिए कि ये जो नॉर्मल इनकम है जो रिमेनिंग इनकम है कहीं ये बेसिक एक्जम्शन लिमिट से कम तो नहीं है तो पता चला हाँ सर कम है बिकॉज बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कितनी होती है टू पॉइंट फाइव लाख तो हमारी तो बेसिक एक्जम्शन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो रही तो यहाँ पर कितने का डिफिशियंसी आ गई फिफ्टी थाउजेंड रुपीज यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और होने चाहिए ठीक है इसको हम कहते हैं कि हम ट्रिपल वन ए इसको मूव कर लेंगे तो यहां पर हम फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे और यहां से माइनस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कर देंगे ठीक है क्लियर होता है ना ये बातें हम लोग करते थे कि, कि किस तरीके से टैक्स निकालते हैं तो क्या हम ट्रिपल वन ए से अपनी जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्शन लिमिट है अपनी नॉर्मल इनकम में क्या उसको पूरा कर सकते हैं द तो आंसर इज यस हम इसको कर सकते हैं ऐसा तो आपको क्या मिलेगा यहां पर यहां पर मिलेगा फिर साढ़े चार लाख फोर पॉइंट फाइव लाख और यहां पर हो जाएगा ढाई लाख नॉर्मल इनकम के ऊपर ढाई लाख के ऊपर तो आपका टैक्स कुछ नहीं बनेगा और यहाँ पर आप 15 परसेंट रेट देंगे किसके ऊपर 5 लाख के ऊपर या 4.5 लाख के 4.5 लाख के ऊपर 15 परसेंट तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं जो आपकी अनएग्जॉस्टेड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एक्जन लिमिट है इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल या तो ट्रिपल वन ए अवेलेबल होता है कि आप ट्रिपल वन ए से मूव कर सकते हैं इसकी बातें और एटी ए की भी रिबेट अलाउड होती है ट्रिपल वन ए से मतलब आप अगर आपकी टोटल इनकम पांच लाख से ज्यादा की नहीं है तो आप एटी ए की रिबेट भी ले सकते हैं ठीक है एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहां पर अभी छोड़ी थी एस टी ट्रांजेक्शन पर पे होना चाहिए तभी आपको ट्रिपल वन ए मान सकते हैं हम लोग बट अगर ये ट्रांजेक्शन हो रही हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पर गिफ्ट सिटी गुजरात ठीक है यहां पर ये नॉन रेसिडेंट अगर ये ट्रांस trans, ट्रांजेक्शन कर रहा हो ठीक है आईएफएससी पे फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रही हो तो वहां पर अगर एसटीटी भी ना जाए तो भी चलता है ठीक है तो नो रिक्वायरमेंट फॉर एसटीटी इन दैट केस ठीक है दिस वाज ए और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वन वन टू ए है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होता है कि अगर सर ऐसे ये तीनों चीजें इक्विटी शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर शॉर्ट टर्म हो तो 15 परसेंट अगर लॉन्ग टर्म हो तो पहले तो ये एग्जाम हुआ करता था टेन थर्टी एट एक सेक्शन था बट भूल जाइए अब तो ठीक है अब नहीं है वो नाउ इट इज टेक्सिबल एट रेट ऑफ टेन परसेंट तो अगर आपका ये इक्विटी शेयर ओरिएंटेड यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं तो इसके ऊपर रेट लगेगा लॉन्ग टर्म है तो टेन परसेंट बट एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आपको एक लाख तक की छूट मिलती है यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी इनकम आ रही हो चार लाख तो पूरे चार लाख पे टेन परसेंट नहीं लगता है यहां पर एक लाख तक छोड़ा जाता है और सिर्फ तीन लाख के ऊपर लगेगा तो प्लीज वो एक लाख वाली बात ही आपको याद होनी चाहिए दूसरा एस पे होना चाहिए आई पर ट्रांजेक्शन हो रही हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात तो यहां पर आपको एस ना भी लगे तो भी कोई बात नहीं वन वन टू ए वाला प्रोविजन लग जाएगा आपके ऊपर चैप्टर सिक्स से डिडक्शन नहीं मिलती ए टी सी से ए तक नहीं मिल सकती आप एग्जॉस्ट अगर आपकी रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एच है और आपकी बेसिक एक्समशन लिमिट से भी कम है आपकी नॉर्मल इनकम तो आप वन वन टू ए से मूव कर सकते हैं बट याद रखिएगा एट्टी ए की रिबेट अलाउड नहीं है वन वन टू ए से देखिए बार बार समझ लीजिएगा ट्रिपल वन ए में और वन वन टू ए में एक और डिफरेंस आ गया ठीक है एक तो फिफ्टीन और टेन था दूसरा डिफरेंस आ गया ट्रिपल वन ए में रिबेट अलाउड है बट वन वन टू ए में रिबेट अलाउड नहीं है ठीक है और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जब ऐसे इक्विटी शेयर आप बेचते थे लॉन्ग टर्म तो ये एग्जेम हुआ करते थे बट बाद में टैक्सेबल हो गए थे ठीक है 2018 के बाद से इसको टैक्सेबल कर दिया गया था बट यहां पर एक ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन आए थे ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन क्या होते हैं कि एक्चुअली आपकी कॉस्ट को हमने पुरानी कॉस्ट ना लेकर हम उसको चेंज कर दिया था कॉस्ट को तो ये बोला गया था कि अगर आपने ये शेयर्स खरीदे हैं वन टू टू थाउजेंड एटीन के बाद से वन टू टू थाउजेंड यानी कि फर्स्ट फेबरी टू थाउजेंड एटीन के बाद से खरीदे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो आप इसके कॉस्ट इसकी एक्चुअल कॉस्ट ले सकते हैं बट अगर ये बहुत पुराने शेयर्स थे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ये शेयर थे दस साल पुराने बारह साल पुराने ठीक है और जब ये प्रोविजन आया दो में ही तो ये बोल दिया गया टैक्स लगेगा क्योंकि पहले उसने ही खरीद रखे थे और ये होल्ड करके वो बैठा था और ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि सर मुझे तो टैक्स एग्जेमट है इसके ऊपर बट बाद में इसको टैक्स टैक्सीबल कर दिया था तो ऐसे लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हो गए थे ठीक है तो उसके चलते तो लॉ ने यहाँ पर ध्यान रखा कि आपके सेंटिमेंट्स इतने हर्ट ना हो ये लोग टैक्स लगा रहे थे बट इन्होंने कहा था कि हम आपकी पुरानी कॉस्ट नहीं लेंगे जो आपने पुरानी एक्चुअल कॉस्ट हुई थी हम आपको एक प्रोविजन दे रहे हैं आप इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं एज ऑन थर्टी वन वन टू थाउजेंड एटीन यानी कि आपको बहुत पुरानी कॉस्ट नहीं लेनी पड़ेगी आपकी अभी रिसेंट कॉस्ट हम मान लेंगे तो हम लोग इसके लिए कॉस्ट क्या लेते हैं अगर ये थर्टी वन वन टू थाउजेंड एटीन उससे पहले के थर्टी फर्स्ट जनवरी टू उससे पुराने शेयर्स हैं आपके पास तो हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट ले सकते हैं या फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं एज ऑन थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट जनवरी सॉरी थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन विच एवर विच एवर यानी कि अगर किसी की एक्चुअल कॉस्ट दस रुपए थी बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन थर्टी वन वन एटीन फॉर एग्जाम्पल एक हजार रुपए थी किसी शेयर की ठीक है तो ऐसा नहीं कि हम दस रुपए के हिसाब से कैपिटल गेन निकालेंगे नहीं हम कॉस्ट ऑफ ऑफेशन कितनी लेंगे वन थाउजेंड रुपीज उस केस में विच एवर इज हायर विच एवर इज हायर बट लॉ ने यह भी कहा कि आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन ले सकते हैं बट प्लीज चेक कर लीजिएगा कहीं एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ज्यादा ना हो एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ज्यादा ना मतलब हम आपको इतना बेनिफिट नहीं दे सकते कि आप इसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस से भी ऊपर ले लें तो इनकेस अगर फेयर मार्केट वैल्यू आपके एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो फिर हम उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करेंगे हम करेंगे एक्चुअल प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर इन दोनों में से हायर लेंगे एक्चुअल प्राइस सेलिंग प्राइस चल लोग समझ गए ना क्यों करेंगे ऐसा ठीक है ऑल दो रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते थे बट आई बिलीव आपको याद आ गया होगा ठीक है मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ ये इसलिए करा गया है कि हम आपको बेनिफिट तो दे रहे हैं कि ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन का कि आपकी वैल्यू हम बड़ा

आपको ऑल दो आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको ये चार्टर विजन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बट इसलिए मैं और कुछ सब्जेक्ट्स के जो मैंने पहले प्लान भी नहीं किए थे बट उसके भी ही आई एम प्लानिंग कि मैं उसको भी यूट्यूब पे जल्दी ही पोस्ट करूं ठीक है एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स आप मुझे कमेंट्स में लिखते हैं तभी मुझे पता चलता है कि आपको कितना ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं क्या समझ में आ रहा है अगर कुछ भी चीज़ नहीं भी आती है आपको समझ में कुछ ठीक चीज़ अच्छी नहीं लगती है प्लीज़ डू कमेंट अच्छे कमेंट करें बुरे कमेंट करें ऑल कमेंट्स आर वेलकम पर प्लीज़ कमेंट करें ठीक है थैंक यू सो मच बाय टेक केयर